बजे शहनाई रे प्रतिष्ठाई रे, बजे शहनाई रे प्रतिष्ठाई रे, ये खुशियां छाई रे प्रतिष्ठाई रे, आई रे आई प्रतिष्ठाई रे। महोत्सव को गरिमा मिली, जोरदार अभिनंदन से उन्हें विदा करें। शान है भारत देश की, जान है आन है बान है। अब हम उन लोगों को भी नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने इस तीर्थ के सृजन में अपना जिसका जो था उससे ज़्यादा देने का उन्होंने प्रयास किया है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ, एक खूबसूरत सा ध्यान मंदिर यहाँ पर बना है जिसमें रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। चतुर्थकालीन ऋषभदेव भगवान वहां विराजित हुए हैं। जयपुर में मेरा चातुर्मास था, एक रत्न की प्रतिमा उन्होंने दिखाई, मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा ठोलिया जी ये प्रतिमा बहुत सुंदर है, तो उन्होंने कहा आप कहें तो 24 ही बनवा दूं। मुझे याद आया कि कभी भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल 24 की स्थापना 72 जिनालय बनाए थे रत्नों के। पैसा रावण के पास भी था और पैसा भरत चक्रवर्ती के पास भी था, लेकिन दोनों में अंतर इतना होता है कि रावण अपने पैसे से अपने रहने के लिए सोने की लंका बनाता है, लेकिन भरत चक्रवर्ती अपनी अयोध्या सोने की नहीं बनाते, वो कैलाश पर्वत पर 72 सोने के जिनालय बनाया करते हैं। एक धर्मात्मा और अधर्मात्मा में इतना ही अंतर होता है। धर्मात्मा होता है वो मंदिर बनाने के स्वप्न देखता है, संसारी होता है वो मकान बनाने में जिंदगी खत्म कर देता है। ऐसे हमारे स्वप्न को साकार किया। मैं जो इस पंचकल्याणक में कुबेर के पद पर भी हैं, ट्रस्टी हैं, संरक्षक हैं, परम संरक्षक हैं, कभी भी कोई आदेश हो जाए तो उस परिवार ने कभी ना नहीं कहा। आपकी तालियों के साथ मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं, कुशल जी, मधु जी, ठोलिया और नीतू, मनीष, आशीष, राखी, सौगानी, ये वो परिवार, उनकी बेटियां, उनके दामाद जिन्होंने ध्यान मंदिर का सबने दर्शन किया। सारे मंदिर के दर्शन बाद में होंगे, सबसे पहले ध्यान मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है। आइए, मैं चाहूंगा कि उनका यहाँ स्वागत सत्कार हो। और राखी सौगानी यज्ञ नायक भी बनी हुई है और कुबेर का पद भी इन्होंने प्राप्त किया है। मैं तो यही कहूंगा कि यह भंडार कुबेर का कभी न खाली होए, यह भंडार कुबेर का कभी न खाली होए, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, दिन दिन दूना होए। यही आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, सदा तुम्हारे हाथ ऐसे रहे। जयपुर में पहली शख्सियत है जिसने मेरे चातुर्मास में अग्रणी बन करके भूमिका निभाई। मैं चाहूंगा कि स्वागत अध्यक्ष राहुल जिम्मी आए, संघपति प्रदीप जी मामा आए और उनका यहाँ से बहुमान करें, और हमारे पंचकल्याणक के अध्यक्ष, और आज तो माता जी फ्री हो गई हैं, वह भी स्वागत में आए, रंजना देवी आए और इनका स्वागत करें, विनोद जी फांदौर, निर्मल जी, कल्पना जी गोधा, एक एक सामान से उनका स्वागत करें और करके साइड हो जाएं ताकि उनकी तस्वीर अच्छे से आ जाए। यह कोई सम्मान नहीं है, ये स्मरण ग्रंथ हैं जो जिंदगी के लिए लिखे जा रहे हैं, और सम्मान हो वो चेयरमैन नीचे बैठी रहे, ये कैसे हो सकता है। मैं छोटी माँ को बुलाता हूँ कि आए, और तुम्हारी तो चहेती है गंगा मैया, आइए उनका स्वागत करिए, सत्कार करिए, आइए। मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। दो अष्ट कुमारियां ऊपर आ जाएं, अष्ट कुमारिकाएं जो माता की सेवा में थी। मन की वीणा,
मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 और हमारे हो गया स्वागत हो गया। अब जिनने स्वागत कर लिया वो पीछे हो जाएं, उस फैमिली को खड़ा रहने दे बस। चलिए मैं कुशल जी ठोलिया को यह आशीर्वाद पत्र सौंपता हूँ। सुनिए, हाथ जोड़ के सुनो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व मेरा जयपुर शहर में जाना हुआ। वहाँ सब कुछ अपरिचित और अनजाना था। उस समय अचानक आप मिले, मिलते गए, इतने मिले कि धीरे धीरे अपनों से ज़्यादा अपने हो गए। भोला भाला सादगी भरा चित्त आपका समर्पित करते गए और आज यह ठोलिया परिवार ता उम्र के लिए पूजा के अर्घ की भांति मेरे लिए समर्पित हैं। कुशल जी ठोलिया प्रज्ञा के धनी की कुशलता आज जग जाहिर है। जयपुर शहर में आज कोई भी सामाजिक धार्मिक आयोजन हो आपके बिना प्रभावना को प्राप्त नहीं हुआ करता है। जितना समर्पण आज कुशल जी में आया है उसका संपूर्ण श्रेय उनकी सहधर्मिणी मधु जी को जाता है, जिसे मैं गंगा मैया के नाम से पुकारता हूँ। उनकी भक्ति को जाता है, गंगा सी पवित्र निश्चल भक्ति के जल में, गंगा की पवित्र भक्ति के निश्चल जल में गंधोदक की सुगंध आते हैं। सचमुच आपकी लगन एक संत हृदय को छूती है। मधु जी गंगा मैया है तो कुशल जी वह भगीरथ हैं जो इस गंगा को मेरे चरणों में लेकर के आए हैं और उनके जीवन को गंगा सागर बना दिया है। धीरे धीरे मम भगिनी समान आपकी बेटियां दामान नीतू मनीष राखी आशीष ने भी तन मन धन से मेरी राह में अपनी आस्था को बिछा दिया है। पूरा परिवार जिन भक्ति में लीन हो गया है, जैनत्व से परिपूर्ण हो गया है, यह मेरी सफलता है कि मैं आपको जिन शरणम पर इस रत्नमयी व्यापारी की आस्था ने आज रत्नमयी भव्य ध्यान मंदिर बनाकर पंच कल्याणक में कुबेर का पद प्राप्त करके आने वाले जन्म और जीवन के लिए महान पुण्य का अर्जन किया है। आप मेरी शिष्य मंडली के अनमोल रत्न में अग्रणी हैं। आप हमेशा ऐसे मंगल कार्य करते रहें। मैं अपने गुरु आचार्य पुष्प दंत सागर का शिष्य पुलक सागर तुम्हारे परिवार को हमेशा अपने अनेकों आशीर्वाद प्रदान करता रहूं। आइए लीजिए, लो भाई ताई जी, लो अपने हाथों से प्रदान करो, बहुत भारी है। मामा लो, मामा और ताई उनको प्रदान करो। रत्नात्रय के फूल खिले हैं जिन शरणों के आंगन में, रत्नात्रय के फूल खिले हैं जिन शरणों के आंगन में, हो मिला अलौकिक ज्ञान हमें गुरु पुलक सागर के चरणों में। रत्नात्रय के फूल खिले हैं जिन शरणों के आंगन में, हो मिला अलौकिक ज्ञान हमें गुरु पुलक सागर के चरणों। अगली आवाज दे रहा हूं कि सब कुछ होता, तीर्थ भी होता, मंदिर भी होते, संत भी होते, संत निवास भी होता। ताई ऊपर ही रहो, बहुतों का स्वागत की। और सब कुछ होता लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं होता यदि इस तीर्थ पर तीर्थंकर नहीं होते, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं अपने आत्मीय भक्त
जिसने मेरे लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, जीवन की अंतिम सांस समर्पित कर दी, जिसने अपना सारा जीवन व्यापार बिजनेस सब मेरे लिए न्यौछावर कर दिया, ऐसे डॉक्टर सुरेश जी भले हमारे बीच ना हो लेकिन स्वर्ग से वो देख रहे हैं। आज उस पर्याय में भी वह आनंदित हैं। मैं उनकी सहधर्मिणी मीना जी को आमंत्रित करता हूं, उनकी पुत्री परमिता, उनके दामाद भरत को भी मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं, और उनके भ्राता राकेश जी भी दिख रहे हैं शायद, वह सब यहां पर पधारे। कह सकता हूं कि ये जो मूर्ति है ना, ये मीना ने, मैं एक छोटे से गांव में था, कहां था, डबरा में, वहां मीना मेरे पास आई, बोले महाराज एक चीज मांगना है मुझे। मैंने कहा मांगना है, डॉक्टर साहब ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। पहली बार मीना ने कहा मुझे मांगने दो, मुझे मांगना है। उस समय जन्मदिन था, क्या था, जन्मदिन था कि शादी की सालगिरह नहीं तुम्हारा उस समय, हाँ। तो मीना ने कहा आज मुझे उपहार चाहिए। मैंने देखा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, बोले एक सौभाग्य दे दो, यहाँ के मूल नायक भगवान स्थापित करने का सौभाग्य हमें प्रदान कर दीजिए। उस समय मुझे लगा कि ये मांग रही है या दे रही है, मुझे समझ ही नहीं आया। ऐसे भव्य भगवान, मैं कह सकता हूं इस भरी सभा में जिन शरणम जैसे भगवान दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं होंगे। कैसा दरबार लगा है उनका, कैसी कल्पना की गई है। मैं कह, ये नहीं, मेरा घमंड नहीं है कि कहीं नहीं होंगे, इससे भी अच्छे होंगे, लेकिन तुमसे भी अच्छे भले हों, मगर तुमसा कोई और नहीं मिला करता है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को स्थापित करने का पांच बाल अति तीर्थंकर एक साथ जहां पर विराजमान किए गए हैं, डॉक्टर साहब की स्मृतियां आज भी मुखरित हो रही हैं। मीना का समर्पण बहुत है, सदैव से रही, लेकिन मैं देखता हूं कि डॉक्टर साहब के जाने के बाद वो टूट गई है, अकेली हो गई है। कोई कितना भी कहे कि हम हैं, मैं भी कहता रहूं कि मैं हूं, लेकिन अपना अकेलापन तो अपने को खलता है, उनकी कमी हमेशा मौजूद होती है। आज यदि वो यहां होते तो यहां का नजारा कुछ और होता, लेकिन बहुत कुछ मीना ने डॉक्टर साहब के एक एक शब्द का पूर्ण उन्होंने पालन किया, जैसा कहा था वैसे ही भगवान बनाए। मूर्ति तो डॉक्टर साहब ही ढाल कर चले गए थे, और रात दिन एक ही चिंतन, मुझे याद है जब उनकी अंतिम सांस चल रही थी तब भी उन्होंने मुझसे मंत्र सुना था। वो कहते थे महाराज जब तक मैं जिंदा हूं इस तीरथ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी बहुत बड़ी ताकत थे, उनके जाने के बाद मैं भी कुछ दिन ऐसा हो गया था कि मुझ में अब कुछ नहीं बचा है। अचानक सोचिए, जिस दिन हमने पंच कल्याणक की डेट निश्चित की थी, सुबह निश्चित की थी, दोपहर को उनका संदेश आ गया था। मैंने कहा था कि इस डेट पर मेरे डॉक्टर साहब गए हैं, इस डेट पर मैं पंच कल्याणक नहीं करूंगा, और वह पंच कल्याणक आगे बढ़ा और आज 24 में वह पंच कल्याणक यहाँ पर समर्पित हो रहा है। मैंने कुछ शब्द, इन शब्दों से ज्यादा उनका जी वो है समर्पण, मैंने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। डॉक्टर सुरेश जी, मीना, मंदिर निर्माण में दो तरह के पत्थर लगे होते हैं, पहले वो जो शिखर पर चमचमाते हैं, जो सबको दिखते हैं, और दूसरे वो जो मंदिर की नींव पर मजबूती से रहते हैं, जिन्हें कोई देख नहीं पाता है। यह चमकदार शिखर तभी तक चमकदार रहता है जब तक नींव के पत्थर मजबूती लिए होते हैं। जिन शरणम तीर्थ के नींव के मजबूत पाषाण, जिनके परिश्रम लगन और ताकत पर आज यह तीर्थ खड़ा है, वो मम प्रिय डॉक्टर सुरेश जी मीना जी हैं। डॉक्टर साहब ने मेरे स्वप्न को साकार करने में अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, और जीवन की अंतिम श्वास तक जिन शरणम ही उनकी जुबान पर रहा। उनकी सूझबूझ, उनकी कार्यशैली, उनकी समझ, उनका सिंह के समान स्वाभिमान, निडरता, निश्चलता, सब कुछ मेरी ताकत थी। कितने संघर्ष किए उन्होंने, कितनी रातें, कितने दिन, कितने पल, कितने क्षण मेरे लिए उन्होंने निछावर कर दिए, रह रहकर याद आता है।
जाते जाते तीर्थाधिपति मूल नायक कल्पतरु मेरे आराध्य पार्श्वनाथ भगवान की यह दिव्य जिन प्रतिमा इस स्वप्न के मंदिर में विराजित कर ऐसी निशानी मुझे छोड़ गए हैं जिसे मैं जीवन के अंत समय तक अनंतों बाहर अपना शीश झुकाऊंगा। मैं ही नहीं सारा जगत उस प्रतिमा को शीश झुकाएगा, झुकाते रहेगा। कोई उस दातार को भूल नहीं सकता है जिन शरणम की एक एक ईंट पर आज भी डॉक्टर साहब की धड़कन सुनाई देती है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद मीना एकदम से टूट गई, परंतु जिन शरणम की लगन मुझे आज भी जीवंत प्रदान करती है। डॉक्टर साहब की पुत्री परिमिता, दामान भरत ने मेरी अनन्य भक्त मीना को डॉक्टर साहब के वचनों को पूर्ण करने में जो श्रद्धा से सहयोग दिया है, मीना ने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया। मैं अपने आत्मीय डॉक्टर को कभी विस्मृत नहीं कर पाऊंगा, उनके परिवार को मंगलकारी आशीर्वाद प्रदान करते रहूंगा। और यह आशीर्वाद मैं चाहूंगा कि संगपति महोदय और ताई जी आए मीना को प्रदान करें, और सोनम विनायका, अजित विनायका भी आए और इनका स्वागत करें। चरणों में तेरे आकर गुरुवर ज्ञान ही ज्ञान मिला। उस पे रखो ना मॉडल, देखिए मैं डॉक्टर साहब ने जो हमें दिया है, मीना ने दिया है, ये तो आशीर्वाद पत्र है, ये तो स्वागत सत्कार है, लेकिन एक चीज मैं ऐसी दे रहा हूं आज मीना को, हमेशा वह अपने घर में रखेगी, घर में रहेगी तो जिन शरणम दिखेगा, और जिन शरणम में आई तो जिन शरणम दिखेगा। मैं चाहता हूं कि उन्हीं की प्रतिकृति में उन्हें आज यहां प्रदान करता हूं। लिया चरणों में तेरे आकर भगवान, जोरदार तालियां, चिंतामणि कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान जो उनके घर में विराजित होंगे, यह प्रतिकृति जो उन्होंने आगे लिया, यह प्रतिकृति जो मैंने कहा है कि जिसकी जो योजना है उसे प्रदान करें। आदरणीय ठोलिया जी से कहूंगा कि उनका ध्यान मंदिर का मॉडल भी बनकर आएगा, थोड़ा सा विलंब हो गया है, बाद में देंगे, किसी वजह से वह रुक गया है, और यह पार्श्वनाथ भगवान का यह भव्य चित्र, भव्य स्मृति चिन्ह हमेशा हमेशा के लिए उन्हें समर्पित किया जाता है। क्या बात, लाओ भाई। ज्ञान ही ज्ञान मेरा चरणों में तेरे आकर गुरुवर, ज्ञान ही ज्ञान मेरा श्रद्धा से जब पूजा मेरे, श्रद्धा से जब पूजा मेरे मुझे ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे आकर भगवन ज्ञान ही ज्ञान मिला। चलिए मीना जी दो शब्द देखिए, मैं सोचता हूँ स्वागत वाली अब साइड हो जाएं, उनके परिवार की फोटो आ जाए, हमेशा के लिए उनकी स्मृति में रहेगा, उनके परिवार आगे आ जाएं, और यह तस्वीर परमात्मा की तस्वीर तुम्हारी तकदीर बनाती रहे, यही आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हमेशा इसे वहाँ रखना जहाँ दिन में तुम्हारी चार बार नजर जाती हो, जब भी देखोगे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान दिखाई देंगे। और मीना जी को दो मिनट के लिए माइक प्रदान किया जाता है। नहीं नहीं अब करो यार, मैं दूसरे काम में लगा, मैं अभी समाज के केस लॉन्च कर रहा हूं, तुम अपने चल भाई माइक दो ना फटाफट, विनोद माइक दिला, माइक दो, एक माइक यहाँ परमानेंट रखो। हेलो,
गुरुदेव श्री, मेरे इष्ट गुरुदेव श्री के चरणों में मेरा त्रिभार नमोस्तु। आचार्य गुरुदेव प्रणाम, सागर जी को भी मेरा नमोस्तु और मुनि संघ को, आचार्य संघ को भी नमोस्तु। मैं गुरुवर के लिए मैंने शब्द लिखे हैं, वो मैं अर्पित कर रही हूँ गुरुदेव श्री के चरणों में मेरे शब्द पुंज। गुरुवर मंद मंद मुस्कान देख चरणों में आए हैं, गुरुवर तेरी मंद मंद मुस्कान देख चरणों में आए हैं, तेरी पूजा कर भावों के फल पाए हैं, समर्पण संग मन में सेवा भाव जगाए हैं, त्यागी मूर्ति गुरुवर को नित नित हृदय से ध्याए हैं। गुरुवर तेरा जिन शरणम में खोए रहना, तेरा परिचय को सहते रहना, जिन शरणम को मुखरित रूप देना, अपनी चिंता न किए सब कुछ करते रहना। मंद मंद मुस्कान देख गुरुवर तेरे चरणों में आए हैं, गुरुदेव श्री के चरणों। गुरुदेव श्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैंने एक बहुत ही भावपूर्ण डॉक्टर साहब के शब्द अपने शब्दों में लिख दिए हैं कि डॉक्टर साहब जब गए होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। क्या बात है, सुनाइए। इसके बाद ओम प्रकाश बाबूजी परिवार तैयार रहे। जिन जिन ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर दिया है, क्योंकि संत कभी मुफ्त में किसी का कुछ नहीं लिया करता है। जो भी लेता है, अंजलि भर लेता है, वो दरिया भर वापस लौटा देता है। हाँ बोलिए गुरुदेव श्री। डॉक्टर साहब जब गए होंगे तब क्या सोच रहे होंगे। सूरज की तपिश से झुलसे तन से संभाला है तुझे, होती पीड़ा के दर्द से दुलारा है तुझे, जिन शरणम के लिए है उनके शब्द, थके हाथों से निरंतर सहलाया है तुझे, विश्वास की आंखों से मनोरम बनाया है तुझे, तेरे स्वर्णिम रूप को अपना सपना बनाया था मैंने, अपनी सुधबुद किए बिना तेरे ही निर्माण में खो गया था मैं, तेरी ही मिट्टी को तनमन में बसाया था मैंने, अपनी गोद से उतारा है तुझे, तेरा बचपन हर पल साथ मेरे, तेरा यौवन था अभी आना बाकी, तेरा यौवन था अभी आना बाकी, तेरे यौवन का दृढ़ स्वरूप बसा रहा मेरी आंखों में, तेरे स्वरूप का रूप का, तेरे स्वरूप का रूप का सपना सजोए आंखों में, मैं चला गया, मैं चला गया, तेरे शरणी मुखरित स्वरूप को देखने की दिल में आस लिए मैं चला गया, मैं चला गया। अब मेरा मौन ही रहेगा मेरा परिचय, अब मेरा मौन ही रहेगा मेरा परिचय, तुझसे कुछ भी बात किए बिना मैं चला गया, तुझसे कुछ भी बात किए बिना मैं चला गया, तुझे तेरा मुखरित स्वरूप मिले यही प्रार्थना करता चला गया, यही प्रार्थना करता चला, मेरी आस्था है संग तेरे, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाता चला गया, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाता चला गया, जिन शरणम तुझे मैं नमन करता चला गया, जिन शरणम मैं तुझे नमन करता चला गया। नमस्ते, जोरदार तालियां मीना जी की भावनाओं को। अब ओम प्रकाश बाबूजी रुक भाई, आज बाबूजी हमारे, अरे तो रोको क्यों कर रहे हो, आज बाबूजी हमारे बीच नहीं है। सबसे प्रथम अध्यक्ष इस तीर्थ के रहे तो ओम प्रकाश जी बाबूजी, डॉक्टर साहब उसके बाद अध्यक्ष बने। बाबूजी के प्राण भी इस तीर्थ पर थे, और मुझे याद है कि जयपुर में जब एक जमीन खरीदी गई कि यह तीर्थ जयपुर के पास बनना चाहिए, ठौलिया जी उस जमीन को लेकर आए, 27 बीघा जमीन थी पदमपुरा रोड पर। पहले यह तीर्थ उदयपुर में बन रहा था, उसका शिलान्यास हो चुका था, फिर वहां से कैंसिल हुआ तो जयपुर बनने की तैयारी हुई, जयपुर से कैंसिल हुआ तो धमतरी छत्तीसगढ़ की जमीन ली गई। लेकिन जब बाबूजी आए, मैंने कहा जहां भी तीर्थ बनेगा अध्यक्ष आप रहेंगे, बाबूजी ने कहा नहीं, मैं अध्यक्ष एक शर्त पे रहूंगा कि तीर्थ
सूरत के आसपास बनना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले नहीं, मैं कैसे देख पाऊंगा दूर, एक तो मैं पद लेता नहीं हूं, ले लूं तो फिर पूरी जिम्मेदारी से निभाता हूं। क्रूर नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया। मैं कह सकता हूं यदि आज बाबूजी होते ना तो पंचकल्याणक अलग और ऊंचाइयों पर पहुंच रहा होता। उनकी सोच, उनकी समझ, उनके विचार, उनकी विशाल हृदयता, उनकी नेतृत्व क्षमता का कोई मुकाबला इस धरती पर नहीं हो सकता है। मेरे पिता तुल्य थे वह, कभी भी खबर पहुंच जाए तुरंत दौड़े दौड़े चले आना। मुझे याद है कि जीवन के अंतिम समय जब वह ट्रेन में सफर कर रहे थे, मैं, डॉक्टर साहब और अजित विनायक क्या, हम लोग भीलवाड़ा में थे। बाबूजी का फोन आया कि महाराज जो मूर्ति बन रही है, मैंने नाहटा जी को फोन कर दिया है, बहुत सुंदर मूर्ति बनेगी। मैं छोटे से गांव में था राजस्थान के, अजित से मैंने कहा कि एक प्रतिमा बाबूजी स्थापित करें, मेरी भावना है। बाबूजी तो हाजिर जवाब, उन्होंने कहा क्या बात कर दी महाराज, एक प्रतिमा। मैं समझा उस समय एक प्रतिमा बहुत है। बाबूजी ने कहा एक नहीं, पूरे त्रिमूर्ति भगवान मेरे तरफ से वहां पर समर्पित होंगे। उन्होंने कहा कि आप महाराज धन्य हैं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे दो बेटे हैं आशीष और कमल, और मैं, तीन जब हैं तो तीन प्रतिमाएं वहां पर स्थापित होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कितनी सुंदर त्रिमूर्ति लगी हुई है, परिकर सहित आज श्रृंगारित है मूर्ति। सबने रात में देखी होगी, बाबूजी परिवार ने स्थापित की। बाबूजी के जाने के बाद मम्मी बिखर गई अपने आप में, नहीं तो सबसे ज्यादा उत्साहित मम्मी थी। आज वो अपने स्वास्थ्य की वजह से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं। मैं तो शब्द जो मैंने लिखे हैं वह मैं वाचन करता हूँ, उसके बाद आशीष भाई का यहाँ पर स्वागत होगा। बाबूजी के नक्शे कदम पर चलता हुआ आशीष अपनी पूरी साधना के साथ आज भी जिन धर्म में आगे बढ़े हुए हैं। आशीष को कभी भी कुछ कह दिया ना, शब्द उसके जुबान पर कभी आता नहीं है, ये संस्कार बाबूजी के उनके अंदर आए हैं। मैं आदरणीय ओम प्रकाश बाबूजी, पुष्पा देवी जैन, एक रौबदार गरिमामय व्यक्तित्व हैं। जहां से सोनम का जन्मदिन था, मैं रतलाम में था, सोनम ने कहा कि मेरा जन्मदिन है आशीर्वाद दो। पहली बार मैंने कहा होगा कि मैं आशीर्वाद दूंगा तो तू मुझे क्या देगी? बोले आप बोलो क्या देगी। मैंने कहा जिंदगी भर आहार देगी? बोले मरते दम तक दूंगी। तो मैंने कहा काय में देगी, सड़क पर देगी क्या, चौराहे पर देगी? बोले नहीं, आप आदेश करें और भव्य आहार कक्ष राजा श्रेयांश महल का निर्माण सोनम और अजित विनायक ने वहां पर कराया। कौन नहीं जानता इनको। एक बात ध्यान रखिए, सोनम ने और अजित ने वह समर्पण किया है अपना जीवन पूरा मेरे लिए, उसे मैं वाचन में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, पहली बार मैं जिन शरणम में आया, उसके पहले कभी नहीं आया था, मैंने तो इसकी जमीन भी नहीं देखी थी, इन लोगों ने अपने आप खरीद ली और बना लिया। पहली बार जब मैं जिन शरणम में आया, मालूम है मैं दूज के दिन आया। इन्होंने कहा नहीं आज आहार नहीं कराऊंगी। मैंने कहा क्या हो गया, ये तो कह रही थी आहार कराऊंगी, आज नहीं कराऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोले कल अक्षय तृतीया है, पहला आहार उस आहार कक्ष में होना चाहिए। ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्तित्व, मेरे ही आहार नहीं, बड़े बड़े साधु संतों के आहार वहां हो गए, और आज आहार कक्ष सार्थक हो गया जब मेरे गुरुदेव ने वहां आहार प्राप्त किए। आज उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, हर जगह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और आचार्य महाराज की वहां आहार हुए, उस दिन मैं सोच रहा था आज ये आहार कक्ष नहीं, साधुओं की दानशाला में परिवर्तित हो गई है। ऐसे अजित विनायक क्या, उसके लिए भी लिखना पड़ेगा, पड़ेगा क्या, लिखूंगा ही। और अजित सोनम विनायक क्या, सुनिए, मेरे जीवन की ऐसी कौन सी बात है जो मेरे इस हनुमान भक्त को पता ना हो? कोई भी बात नहीं है जो इसे पता ना हो। ऐसा कौन सा दिन है जब हमारे और उसके संवाद नहीं होते हों? मेरे आदेश को, मेरी आज्ञा को, मेरी इच्छा को,
मेरी धार्मिक आकांक्षा को पूर्ण करना जिसने अपने जीवन का महानतम उद्देश्य बना लिया हो, मेरे हास्य विनोदी स्वभाव को जिसने गुरु प्रसाद समझकर अपने आप को धन्य किया है, क्योंकि मैं हंसते हंसते बहुत कुछ बोल देता हूँ लेकिन वो भी मुस्कुराते हुए उसे गुरु प्रसाद समझ के स्वीकार करता है, मेरी कठोरता को जीवन का पाठ समझता है, मेरी प्रसन्नता को भगवान का कीर्तन समझता है और मुझ तक आने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से जब वह मेरे पास आता है उस यात्रा को यात्रा नहीं तीर्थ यात्रा समझता है, मेरी सलाह को ईश्वर की वाणी, मेरे आशीर्वाद को जीवन की संपदा मानता है। मेरा ऐसा भक्त कोई है तो अजित सोनम विनय क्या है। जिन शरणम तीर्थ के सृजन का प्रारंभिक दौर था तब तुम इस तीर्थ की ताकत बने, सहयोगी बने, मुझे निश्चिंत किया। विपरीत परिस्थिति हो या सामाजिक उपहास या बुरे कैसे भी दिन उतार चढ़ाव तुम्हारे जीवन में आए, तुमने वक्त की परवाह ना करते हुए मेरी राह में हमेशा फूल बिछाए हैं। साधारण जन भले ही तुम्हारी भक्ति को स्वार्थ की निगाह से देखते रहें, पर तुम मेरे लिए क्या हो ये केवल पुलक सागर जान सकता है। मेरी अनन्य शिष्या सोनम, इसको बंद कर दो यार, एसी वाला बहुत आवाज करता। सोनम विनायका जिसका घर का कोना कोना मेरे आहार हुए, चतुर्मास हुआ, मैं उसके घर में गया। मेरी अनन्य शिष्या सोनम जिसका घर का कोना कोना आज भी मेरी पूजा की सुगंध से महकता है। गुरु भक्ति और समर्पण में अजित सोनम तुमसे चार कदम आगे है। जिन शरणम में मेरे दो दो चतुर्मास, सूरज चतुर्मास में अपने आप को प्राणपण से जिसने समर्पित किया, प्रशंसनीय ही नहीं वह अनुकरणीय भी है। राजा श्रेयांश महल के रूप में अक्षय तृतीया के दिन जिन शरणम तीर्थ में खूबसूरत आहार दानशाला की भेंट सदियों तुम्हें अक्षय निधि प्रदान करेगी। तुम्हारे पुत्र अमन का मौन समर्पण भी निराला है, होनहार बालक है, तुम्हारे समर्पित जीवन को मैं अनेकों आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मोमेंटो दो, सम्मान दो, ट्रस्टी का दो। कितनी आवाज कर रहा है यार। हाँ अभी दिल में नाम तेरा है तू भगवान। और अजित आहार दाता भी हैं, कल देखना यहाँ पर 24 तीर्थंकरों के आहार होंगे। एक तीर्थंकर के तो हर पंच कल्याणक में होते हैं, 24 भगवान आहार को निकलेंगे, उसमें चंद प्रभु भगवान का आहार अजित सोनम विनायका के द्वारा समर्पित होगा। 24 आहार दाता, ध्यान रखिए जिनको भी आहार दाता बनना है वह अपना नाम लिखा सकता है, कुछ नाम बाकी हैं। 11 लाख रुपए की राशि इन्होंने समर्पित की है आहार देने के लिए। कौन सौभाग्यशाली है जो शेष तीर्थंकरों के लिए आहार देगा, अपने नाम अजित जी विनायका को लिखाइए। अब मैं आवाज दे रहा हूं, श्रीमंत सेठ विनोद जी रंजना जी कोयले वाला परिवार यहां पर पधारे, जिन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, जो छत्तीसगढ़ में दानशूर कहलाते हैं, एक बड़ा साम्राज्य उनका है, एक व्रती का जीवन जीते हैं। मैं रंजना जी के साथ उनकी पुत्री वर्षा, अभिषेक, पुत्र विशाल, रेशु और विक्की और लोग अंकिता, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। यह बिलासपुर का परिवार, मुंबई में निवास, नया घर बना। रेशु ने कहा जब तक चरण नहीं पड़ेंगे मैं घर में प्रवेश नहीं करूँगी, और उसने अपना घर फूलों से सजा दिया हमारे स्वागत में। वर्षा का घर भी अधूरा ही था, सबके पूरे होने वाले हैं। आइए, विशाल कहाँ है? अरे हाँ, 7 प्रतिमा के व्रत पालन कर रहे हैं रंजना। देखिए कैसा संयोग बनता है कि जीजा जी ने कहा मैं जिन शरणम में माता पिता बनूंगा, उनकी लगन थी
और आज जो ऊंचाइयां इस पंच कल्याणक को मिल रही हैं, विनोद जी के द्वारा भी इसमें उनका अनन्य सहयोग यहाँ पर प्राप्त रहा है। यह सब वैरागी परिवार से अपना संबंध रखते हैं और दोनों की भावना है कि अंत समय हम भी दीक्षा धारण करेंगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैसी घटना घटी, मैं जान सकता हूं उनकी स्थिति को कि इधर तो माता पिता का पद है, उधर गुरुदेव का देवलोक गमन हो गया। जिनकी सेवा में रात दिन लगे रहे, जिनके ख्वाबों में जीते थे, जिनके लिए समर्पित रहे, अंत समय वह गुरु की उपसानिध्य में उपस्थित नहीं हो पाए। सुबह सुबह 6 बजे विनोद जी आकर मेरे चरणों में आंसू बहाने लगे, रोने लगे कि मैं क्या करूं, ऐसी जगह खड़ा हूं, ना ये छोड़ सकता हूं ना वो छोड़ सकता हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों दायित्वों को निभाया है। मैं कह सकता हूं कि मैं आचार्य विद्यासागर तो कभी नहीं बन सकता हूं, लेकिन एक गुरु की कमी मैं तुम्हें महसूस नहीं होने दूंगा, ऐसा प्रयास मैं करते रहूंगा तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। और जो इन्होंने माता पिता बने, जिन शरणम के परम संरक्षक हैं, और एक श्रावक सदन का इन्होंने निर्माण किया उस VIP धर्मशाला में, जहां पर आप सब सुविधा से मुख्य पात्र रह रहे हैं, मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं उनके लिए भी कुछ भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। श्रीमंत सेठ विनोद कुमार रंजना जी जैन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिनका व्यापारिक साम्राज्य है, कोयले की खान से हीरा जन्म लेता है, यह तो मुझे क्या सभी को जग जाहिर है। परंतु जब जब आदरणीय विनोद जी को देखता हूं तो लगता है हीरे से भी ज्यादा चमकदार कोई चैतन्य हीरा भी कोयले की खान से निकला करता है। आश्चर्य की बात है, छत्तीसगढ़ का यह हीरा, भट्टारक जी बैठ जाएं तो जड़ी कृपा होगी, छत्तीसगढ़ का यह हीरा राज मुक्तों में नहीं, संतों के चरणों में अर्घ बनकर के चमक रहा है। आरिका माँ देवमती माता जी के परिवार का एक हिस्सा, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की चरण छाया में संस्कारित आपका जीवन व्रत नियम साधना से सुशोभित है। बहन रंजना ने पारिवारिक रिश्तों की पर्याय को धार्मिक रिश्तों में ढालकर एक बैरागी परिवार का गौरव बढ़ाया है। आपका यह धार्मिक भाव समर्पण मेरे अंतस को पवित्र बनाए रखने में, संयमी जीवन के परिणाम और शासन की प्रभावना में आत्मशक्ति की साधन बनता है। जिन जननी और जनक बनने का आपका सौभाग्य, माता पिता का प्रतिरूप धारण करना सातिशय पुण्य में परिवर्तित कर आपके महानतम लक्ष्य को हासिल करने जैसा सार्थक कदम है। जिन शरणम तीर्थ पर श्रावक सदन की भेंट भावना और दानवीरता का दिव्य दर्शन है। निरभिमान सहजता सरलता धार्मिक भावनाएं आपके मौलिक मंगलकारी गुण हैं। संपूर्ण परिवार पुत्र विशाल, पुत्र वधु रेशु, विक्की अंकिता, पुत्री वर्षा, दामाद अभिषेक, सभी मेरे से प्राणपन से जुड़े हैं, धर्म के लिए सदैव समर्पित हैं, मेरे आत्मीय हैं। आरिका माँ देवमती का यह बैरागी परिवार सिद्धों के परिवार में शामिल हो मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मैं आचार्य पुष्पदन सागर गुरुदेव का शिष्य पुलक सागर सदैव तुम्हें आशीर्वाद देता रहूँगा। आइए लीजिए, करिए समय, आइए हमारे वरिष्ठ गण आए, इनका स्वागत करें। अध्यक्ष निर्मल जी गोधा, कल्पना जी और उपाध्यक्ष ट्रस्ट के विनोद जी फांदौर, सची इंद्राणी, सीमा देवी, इनका स्वागत करें। और स्वागत अध्यक्ष राहुल और संघपति प्रदीप मामा, इनका अभिनंदन करें। और मैं आवाज दे रहा हूं नीलकमल जी अजमेरा, रेणु अजमेरा आए, और हमारे
अध्यक्ष जी का यहाँ पर भावभीना स्वागत करें, सत्कार करें, आपकी तालियां बजें उनके लिए, उनके स्वागत में। संगपति हैं तो मामी तो साथ रहना चाहिए ना, तुम नीचे ताली क्यों बजा रही हो, ऊपर आओ। अभी बाल क्रीड़ाओं का समय है, दो तीन सम्मान है, उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। सभी इंद्र प्रतिंद्र पुण्यार्जक सबके बहुमान होंगे इन पांच दिनों, तीन दिन और बचे हैं, कोई भी यहां से निराश नहीं जाएगा। सम्मान क्या, प्रसाद लेकर जाएगा। सामान्य निर्णाणी जो भी बने हैं उनके लिए भी स्मृति चिन्ह बना है, उन्हें भी अपने घर में उसे रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मूर्ति दातारों को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं आवाज दे रहा हूं, एक लाडला मेरा भक्त, एक बहुत प्यारा सा भक्त जिसने मेरे सपनों में जान भरी है, रंग भरे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, विनोद जी सीमा फांदौत परिवार आइए, जो इस कार्यक्रम का पूर्ण संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने समायोजन किया है, विनोद जी सीमा फांदौत, गेंदालाल जी फांदौत, उनकी मातुश्री पधारे, उनकी बहन बहनोई भ्राता, जो भी परिवार के लोग हैं, यह मंच जो सजा है, यह पंडाल जो सजा है, इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो विनोद फांदौत का सबसे बड़ा सहयोग है। मैंने उसे कहा कि विनोद ऐसा पंच कल्याणक होना चाहिए, ऐसा पंच कल्याणक होना चाहिए कि दुनिया देखे कि संतों का कैसा हो। उसने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दें, आपकी इच्छाओं के अनुरूप होगा। लेकिन मैं कहता हूं विनोद ने मेरी इच्छाओं से भी ज्यादा करके दिखा दिया है। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान उनका, विनोद जी फांदौत। उनके समधी जी भी यहां पर हैं, ऋषभ जी परिवार, कहां दिखाई नहीं दे रहे ऋषभ जी, अच्छा लव, बहुत बढ़िया, उनकी पुत्री जिकिसा और दामान लव यहाँ पर मौजूद हैं, ये वो विभूतियाँ। मैं विनोद से हर बार कहता तूने ऐसा कब से सीख लिया, जब जुड़ा था तब तो तुझे कुछ नहीं आता था, पीछे खड़ा रहता था पंडाल के, लेकिन कैसी तरक्की की कि आज पूरे देश को बता दिया कि संतों के सानिध्य में पंच कल्याणक कैसे होना चाहिए। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। कई बार मैं हताश हुआ लेकिन विनोद हताश नहीं हुआ। जब जब मैं निराश हुआ उसने कहा नहीं महाराज अच्छा होगा, गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, ध्यान रखना। कई संतों के चरण पखारे विनोद ने, लेकिन लगन तो पुलक सागर से लगी हुई है, आस्था यहां से जुड़ी हुई है। मैंने उसके लिए कुछ लिखा है और मैं सुनाता हूं। विनोद सीमा फांदौत, अपनी शारीरिक पर्याय से देखूं तो विनोद और मैं हम उम्र हैं, 1970 का उसका जन्म है और मेरा भी जन्म है, एक सी उम्र है हम लोगों की, पर हम उम्र तो हैं, हम सफर नहीं हैं। मैं तुम्हारी राह पे नहीं, तुम मेरी राह पे नहीं, पर वैचारिक दृष्टि से देखूं तो सचमुच विनोद मुझे तुमसा कोई हम सफर भी नहीं दिखता है। तुमने मेरे विचारों को साकार किया है, जैसा नाम वैसा गुण, हास्य विनोद तुम्हारा स्वभाव है तो हास्य विनोद मेरा भी स्वभाव है, मैं भी हंसते बात करता हूं, पर कभी तुमने गुरु भक्ति और अपनेपन की अति भावना के प्रवाह में अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया, वो वाली सीमा नहीं, दूसरी सीमा, सीमा का उल्लंघन तो तुम घर में भी नहीं कर पाते हो। यही वजह है कि आज तुम मेरे, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, यही वजह है कि आज तुम मेरे शिष्य ही नहीं मेरे धर्म सखा भी हो। सखा बनना बहुत बड़ी बात होती है, शिष्य तो हर कोई बन जाता है, क्योंकि हम उम्र हैं तो हम सखा है, कृष्ण सुदामा सा हमारा रिश्ता है। मैं जानता हूं तुम अपने अंतस में मेरे लिए पूर्ण समर्पित हो, वक्त बदल गया पर विनोद तुम नहीं बदले,
हजारों आकर्षण सम्मान प्रलोभन मिले, मगर कभी तुमने मेरा दामन नहीं छोड़ा। यह मैं कैसे भूल सकता हूं। मेरे देखते देखते विनोद आज तुम कहां से कहां पहुंच गए। गजब की सूझबूझ, कार्य कुशलता, उदात्त विचार, ग्रहणशीलता तुम में झलकने लगी है। मुझे तुम पर गर्व होने लगा है। जिन शासन तीर्थ जिन शरणम तीर्थ पर प्रभु प्रसादम को एक ऐसा निर्माण किया, भोजनशाला जो बनी है, आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिन शरणम में, चार दिन में ऐसा रूप बदल दिया उसने, ऐसा रूप मैं खुद ही देख रहा था, यही वही वाली है या दूसरी वाली है, दुल्हन की तरह सजा दिया है उसको। जहां से ध्यान रखना विनोद, कोई भी लोग इस तीर्थ पर आएंगे दो जगह से ही तृप्त होंगे, एक तो भगवान के दर्शन करके आस्थाएं तृप्त होंगी, और तुम्हारा भोजन करके पेट तृप्त होगा लोगों का। ध्यान, हर श्रद्धालु बिना भेदभाव के तृप्त होकर वापिस घर जाएगा, उसकी तृप्ति तुम्हारे परिवार के लिए प्रभु का प्रसाद बनेगा, वरदान बनेगा। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्म इंद्राणी का रूप स्वीकार कर तुमने सातिशय पुण्य का अर्जन किया है। इतने महान पद पर आसीन होने के बाद भी इस महायोजन आयोजन को बाखूबी तुमने मेरी भावनाओं के अनुरूप सफलता के शिखर पर पहुंचाया है, जो तारीफ काबिल है। सीमा जिकिसा आर्चिस हृदय, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी भाई बघनी, सभी ने बहुत समर्पण भाव मुझे रखा है। सभी के हृदय की वेदियों पर तुमने मेरी प्राण प्रतिष्ठा पहले ही करके रखी है, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, उसे मैं ही महसूस कर सकता हूँ। धन्य है तुम्हारा परिवार और तुम्हारा समर्पण गुरु भक्ति। मैं आचार्य पुष्प दंत सागर गुरुदेव का शिष्य पुलक सागर तुम्हारे परिवार को सदियों सदियों आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आइए दीजिए। बहुत डांट भी खाई है विनोद ने, प्यार भी पाया है, कभी आज तक उसने मेरे लिए पलट के जवाब नहीं दिया है। मैं जोर से भी बोल दूं तो भी उसके नयन झुके रहे हैं। गेंदालाल जी, मैं कह सकता हूं आपने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया है, एक श्रवण कुमार जैसे बेटे को जन्म दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूं। इनका स्वागत करें, सत्कार करें, बहुमान करें। इतना सफलतम आयोजन और आपकी तालियां नहीं बज रही हैं, बड़ा आश्चर्य। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजना चाहिए, अनुमोदना होना चाहिए विनोद के लिए। बहुत मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की है। व्यापार बिजनेस छोड़ के 4 महीने से जो लगा हुआ है, लोगों की झिड़कियां सुनी, लोगों के ताने सुने, सब कुछ सुना, मगर एक ही सपना रहा, पंच कल्याणक ऐतिहासिक होना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आवाज दे रहा हूं, हेमचंद जी, मीना जी, झांझरी, कौन है जो इंदौर में इन्हें नहीं जानता है। मीना का समर्पण बड़ा अनूठा समर्पण है। मीना दीवानी है हमारे नाम की, कह सकता हूं वो मीना नहीं है, इस युग की मीरा है। आइए, सब कुछ उसने मेरे लिए समर्पित कर दिया है। हर जगह उसे महाराज ही महाराज दिखते हैं, और जो भी कहो गुरु आज्ञा उसका धर्म है उसकी। उसने खुद ही नहीं जुड़ी, अपने पति को भी धर्म से जोड़ा, अपनी पुत्र और पुत्र वधुओं को धर्म से जोड़ा। मीना वो है जिसने अपने रहने के लिए मकान हल्का बनाया, लेकिन भगवान का मंदिर बड़ा विशाल बनाया। आइए, उनकी भक्ति भावना का यहाँ पर बहुमान होगा। मीना हेमचंद जी झांझरी, महामंत्री हैं आप इस ट्रस्ट के, मुख्य ध्वजारोहण करता है इस पंच कल्याणक के। जब ध्वज आकाश में उड़ती है ना, तो वह प्रतिष्ठा की ऊंचाइयां हुआ करती हैं। ऐसे हमारे मीना जी का समर्पण, पूरा परिवार
नैन्सी भी आए, अभिषेक आए, अभिजीत आए, सब गए, तीनों में से एक भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारे तीन बेटे घर गए, एक तो बैठा है यहां पर। आइए, जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत अभिनंदन हो, और इनका अभिनंदन पत्र मैं यहां से वाचन करता हूं। हेमचंद जी, मीरा जी, झांझरी, इंदौर जैसे महानगर में एक प्रतिष्ठित सम्मानित आदरणीय झांझरी परिवार, जिस पर जिनेंद्र प्रभु की असीम कृपा है, सोने पर सुहागा, सोने पर मीना का काम, ध्यान रखिए, सोने के आभूषण पर, सोने पर मीना का काम जैसे स्वर्णाभूषण के सौंदर्य को मूल्य कई सौंदर्य और मूल्य को कई गुना बढ़ा देता है, वैसा ही नाम और गुणों का संयोग। हेमचंद का अर्थ जानते हो? हेम याने सोना, और उस पे वर्क काय का है? मीना का। ध्यान रखिए, हेमचंद और मीना का संयोग है। मीना जड़ित सोना भक्ति के समर्पण के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। यूं तो समाज में यह परिवार जगह जगह सम्मान प्राप्त करता है, परंतु अपने 20 वर्षीय समर्पण काल में आज तक मीना ने मुझसे मेरे पुण्य से कभी सम्मान की चाहत रंच मात्र भी नहीं रखी है। कोई उसे सम्मान बहुमान नहीं चाहिए, मेरे सम्मान को उसने अपना सम्मान समझा, मेरी प्रतिष्ठा को वह अपनी प्रतिष्ठा मानती है। आज तक मीना ने मुझसे कोई शिकवा शिकायत और गिला नहीं किया। ये पहला परिवार है, कभी जब भी बोलो कोई शिकायत नहीं मुझे आपसे, मुझसे कोई आकांक्षा और अपेक्षा नहीं रखी। ध्यान रखना, ये मैंने खुश करने के लिए शब्द नहीं लिखे हैं, जो मैंने अनुभव किया है वह लिखा है। मात्र अपनी गुरु भक्ति के कर्तव्य और दायित्व को निभाती रही है, मेरी आस्था के दीप उसके नैनों में प्रतिदिन रात जलते हैं, उसकी रोशनी को मैं ही देख सकता हूँ। सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से सभी जगह तुम्हें जाना पड़ता है, परंतु तुम्हारा मन जहाज के पंछी की तरह लौट लौट कर फिर मेरे पास आ जाता है, यह भी मैंने अनुभव किया है। मेरे लिए किंतु क्यों और क्या जैसे शब्द तुम अपने विचारों में भी नहीं लाती हो। आत्मी हेमचंद जी दुनिया के लिए कड़क पर मेरे लिए फूल सा हृदय रखते हैं। वे बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, श्रद्धावान हैं, आचरणवान हैं। पूरा परिवार जिन धर्म की अटूट श्रद्धा से भरा है, जिनाभिषेक, पूजन, वंदन, भक्ति, देव दर्शन जैसे मंगलकारी कार्य उनके घर के दैनिक हिस्से हैं। जिन शरणम तीर्थ के महामंत्री प्रिय हेमचंद जी, पुलक मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा मीना जी उनकी योग्यता और मेरी पसंद के परिचायक हैं। पुत्र, पुत्र वधु अभिषेक, नैन्सी, अभिजीत, प्रणीता, अमित, नेहा की धार्मिक निष्ठा ने जिन शरणम तीर्थ पर संबोधि सभागार हाल समर्पित कर तीर्थ के समारोह के मुख्य ध्वजारोहण बनकर मेरी यश कीर्ति को चारों दिशा में फैला दिया है। आपके परिवार की धन्यता बढ़ती रहे, मैं अपने अनेकों आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करता हूं। चलिए, इनके स्वागत के लिए जीतू भाई अग्रवाल यहां पर पधार जाएं। योगिता जो मीना की लाडली है, आइए, वह भी ट्रस्टी है जिन शरणम की, आए और इनका स्वागत करें, और अश्रु जल से पूरित हो रहे हैं उसके नयन, भक्ति के शब्द सुनकर मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आइए, संघपति प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, आइए, अध्यक्ष निर्मल जी, कल्पना जी, इनका अभिनंदन करें। जी तो प्रिया क्यों नहीं लाए? तुमको अलग से बुलाना पड़ेगा क्या? पति का नाम आते ही राम को वनवास होता है तो पत्नी को अपने आप हो जाता है। इंक्लूड ऑल टैक्स। आइए, बस दो सम्मान और बचे हैं, उसके बाद अगली क्रियाएं होंगी। पंडित जी दो करा दूं? चलिए, मैं आवाज दे रहा हूं, बहुत समर्पित, जिसके जुबान पर कोई प्रश्न नहीं उठता है, जो कह दिया जाए कर देते हैं, मेरे आत्मीय
श्री सुरेश जी रजनी पहाड़िया मुंबई से पधारे हुए हैं। सुरेश जी रजनी जी पहाड़िया यदि यहाँ पर हों, उनके साथ उनके भ्राता भागचंद जी पहाड़िया भी यदि हों मंच पर पधारें। दोनों पति पत्नी धर्म की एक मिसाल हैं, शांत स्वभाव प्रशांत रूप धारण करने वाले, जिन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे लेकिन भगवान की आस्था को खत्म नहीं किया है। जोरदार तालियों से सुरेश जी रजनी जी पहाड़िया एक हमारे भक्त गणों में रत्नों के समान सुशोभित हैं। आइए यहाँ पर पधारिए। सरल सहज व्यक्तित्व, सीकर के रहने वाले, मुंबई में अपना साम्राज्य बना रखा है। उन्होंने बहुत कुछ इस तीर्थ जिनसरणम के लिए किया है। वह ट्रस्टी भी हैं और इस भव्य जिनालय के सामने जो मंदिर का द्वार बना है वह सुरेश जी रजनी जी पहाड़िया के द्वारा निर्मित किया गया है। आइए सम्मान उन्हें मंच पर लेकर आइए सम्मान। और यहां भी उन्होंने इस पंच कल्याणक में ब्रह्म इंद्र का पद प्राप्त किया है। और जो मंदिर में अभी पंच कल्याणक की शुरुआत हुई उसका ध्वजारोहण भी उन्होंने अपने हाथ से किया है। ऐसे रजनी पहाड़िया जो रात दिन भगवान की माला जपती है, ज्यादा से ज्यादा समय उसका धर्म ध्यान में व्यतीत होता है। जब अपने घर में लेकर गई तो अपने घर को मंदिर जैसा सजा दिया उसने। जोरदार करतल ध्वनि से सुरेश जी के यहाँ पर अभिनंदन हो, स्वागत हो। मैंने उनके लिए भी कुछ शब्द लिखे हैं। हाँ, और रजनी जी की चाची यहाँ पर पधारे और संगीता बहन जो उनकी बहन है वह भी मंच पर पधारे। दोनों यहाँ पर आए और बहुत सरल सहज व्यक्तित्व, बड़े उत्साह से उन्होंने पंच कल्याणक में भाग लिया है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मान पत्र इनका काम देखिए, अभी इनका सम्मान होगा। आशीर्वाद पत्र मिस हो गया, यहाँ आ नहीं पाया है, मैं उनको बाद में प्रदान कर दूंगा। सुरेश जी सम्मान पत्र बाद में दे दूंगा, थोड़ा मिस हो गया है। मन में कुछ लाना नहीं, सम्मान पत्रों में नहीं, सम्मान तो हृदय में हुआ करता है, वह हमेशा से है। तुम्हारा सम्मान पत्र शीघ्र बनकर आएगा। आप ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट का सम्मान करिए, इंद्र का सम्मान करिए और गेट निर्माण का सम्मान करिए। दीजिए, सभी ट्रस्टियों का एक कहना था कि हम लोग ट्रस्टी बने हैं, कोई जानता ही नहीं हमको, इसलिए मैंने ट्रस्टियों का अलग से एक मानपत्र बनाया है। अपने घर में लगा के रखना, दूर से दिखेगा कि आप जिन सरनम के ट्रस्टी हैं। यह मैंने तुम्हें प्रदान किया है और सम्मान पत्र बनकर आएगा, किसी समारोह में आपको प्रदान किया जाएगा। मैं आवाज दे रहा हूं, भूपेन जी, रेखा जी हुमड़, अंकुश प्रेक्षा हुमड़, भूपेन जी हुमड़ यहां पर हो। पुष्प वृष्टि कल उनकी थी लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हेलीकॉप्टर चल नहीं सका, पुष्प वृष्टि वो कर नहीं पाए, अभी है नहीं, आएंगे तब उनका स्वागत होगा। मैं आवाज दे रहा हूं बस अंतिम श्रीमान, अंतिम तो है ना वो, अच्छा उनका तो। और मैं आवाज दे रहा हूं एक लाडला शिष्य, अभी अभी जुड़ा है मेरे से, मेरे जीवन के सफर से, साल भर में ना जाने कैसा समर्पण उसने कर दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया। ऐसे जितेंद्र भाई जीतू अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, उनका पुत्र सार्थक और समृद्धि जो अष्टकुमारी बनी है, समृद्धि सार्थक अग्नि कुमार इंद्र बना है, सानत इंद्र बने हैं हमारे जितेंद्र प्रिया अग्रवाल। आइए पधारिए, पुलक मंच को मजबूती से चलाने वाली प्रिया, उसके दम पर श्री रामपुर में पुलक मंच चल रहा है। आइए श्री रामपुर से जुड़े, सर्वस्व समर्पित कर दिया। मैंने कहा मेरे जिन सरनम में अंधियारा है, उन्होंने कहा सोलार लाइट हम लगाएंगे, सोलार का उन्होंने करेक्शन कराया। और अभी संत निवास जो यहां बना हुआ है
उस संत निवास में उन्होंने अपने जीवन के 40 लाख रुपए समर्पित करके संत निवास का सपना साकार करने में योगदान प्रदान किया है। जितेन जी को, जीतू को, बहुत हमारा लाडला शिष्य है और बहुत कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है। मैं आशीर्वाद पढ़ता हूँ उनका। विगत एक दो वर्षों का समर्पण लगने लगा है जैसे बरसों पुराना रिश्ता हो। मेरी शिष्य मंडली में अग्रज भूमिका निभाने लगे। श्री रामपुर के अल्प प्रवास और प्रभावना काल में आप जुड़ते चले गए, भावनाओं में गहरे उतरते चले गए, धर्मानंद के सागर में आनंदित होने लगे। पहले उनका मन मंदिर में नहीं लगता था, अब उनका मन घर और व्यापार में नहीं लगता है। 24 घंटे महाराज दिखते हैं, इतने कम समय में इतनी लगन उन्हें अन्य भक्तों से अलग रखती है। जितना समर्पण जीतू का है उससे ज्यादा समर्पण उनकी सहधर्मिणी प्रिया का है। अब ठीक, उसने अपने मन मंदिर में गुरु स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित कर लिया है। क्यों ना हो, प्रिया एक संत पुत्री है, उनके पिता भी मुनि महाराज थे। संत पुत्री होने के नाते गुरुओं की आस्था है, घर परिवार की जिम्मेदारी उसका बंधन है, वरना वो भी मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए प्राणपन से उत्साहित है। प्रिया ने अपने दम पर श्री रामपुर में पुलक मंच की अलग जगह रखी है। सेवा, सहयोग, शिक्षा, पुलक ज्योति से अपने जीवन को रोशन कर रखा है। जीतू का एक ही शब्द, गुरुदेव आदेश करें, मैं सब कुछ नेछावर करने को तैयार हूँ, और कर भी रहे हैं। बहुत जल्दी जीतू ने मेरा वात्सल्य प्राप्त कर लिया। जिनसरणम तीर्थ पर सूर्य के प्रकाश की रोशनी ही नहीं, आरिका देवमती उपाश्रय संत साधना में कक्षों का निर्माण दोनों पति पत्नी ने अनर्घ पद के समान मेरे चरणों में अर्घ बनाकर चढ़ा दिया है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शानत निंद्राणी सौभाग्यशाली पुण्य पद प्राप्त कर जीवन को धन्य किया है। वयोवृद्ध पिता श्री, पिताजी हैं क्या, आए हैं क्या? जीतू पापा को बुलाओ ना। अच्छा हैं, हाँ। वयोवृद्ध पिता श्री सुधाकर जी अग्रवाल, उनकी पुत्री समृद्धि सार्थक भी अपनी अहम भूमिका रखते हैं। जीतू और प्रिया की धर्म यात्रा में मेरे लिए पूरा परिवार समर्पित है। मैं अपनी अंतरंग भावना से धार्मिक परिवार को उनकी समृद्धि और सार्थकता के लिए अनेकों आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एक दिन ये सभी मोक्ष मार्गी बने, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। चलिए ले भाई, इनका स्वागत करने के लिए सोहन जी कलावत पधारें। अध्यक्ष तो तीनों रहेंगे ही, स्वागत अध्यक्ष भी रहेंगे। सोहन जी कलावत, विमला देवी कलावत पधारे इनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। और तालियां बजाकर जीतू भाई का स्वागत अभिनंदन हो। एक मिनट, ताई स्वागत करो भाई प्रिया का। अब बस अंतिम सत्कार है, उसके बाद दोपहर को देखेंगे। और मेरे अनन्य भक्त नील कमल रेणु अजमेरा ईसीता, जिन्होंने इस जिनालय में इंद्र ही नहीं बने, महेंद्र इंद्र का पद ही नहीं लिया है, ट्रस्टी भी हैं शुरू से। और नील कमल अजमेरा वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत देवी माँ पद्मावती और धर्मेंद्र की प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य अर्जित किया है, उनकी वेदी स्थापित करने का सौभाग्य अर्जित किया। उनके पिताजी, उनके माताजी भी यहाँ पर आ जाएं, उनके भाई, बहन, बंधु,
हाँ अंशुल हरसाली तुम्हारे भाई भी तो आए हैं, मुकेश दिनेश जो भी नीलकमल को पहचानते हो आ जाइए, बहुत समर्पित व्यक्तित्व हैं जिन्होंने तीर्थ के ट्रस्टी भी बने, बहुत कुछ इस तीर्थ के लिए किया है, अपने हैसियत से ज्यादा किया है। मैं उन्हें यहां पर आमंत्रित करता हूं, आइए पधारिए। नीलकमल रेणुका अजमेरा उदयपुर, मेरे उदयपुर चातुर्मास की सर्वोत्कृष्ट प्रभावना का परचम आकाश की ऊंचाइयों में फहराने में, अपने अंतःकरण को प्रसन्न और पवित्र बनाए रखने में संपूर्ण चातुर्मास की सफलता का श्रेय यदि मैं किसी को दूंगा तो नीलकमल रेणु अजमेरा को प्रदान किया जाएगा। उदयपुर चातुर्मास की सफलता से लेकर आज तक लगभग 15-16 वर्षीय लंबी अवधि समर्पण काल में मेरे हर आदेश को नीलकमल ने गंधोदक सा पवित्र मानकर शिरोधार किया है। जीवन की हर परिस्थिति में तुमने गुरु लगन की डोर टूटने नहीं दी। जीवन और समय के प्रवाह में कई बार मैं तुम्हें छोड़कर आगे निकल गया, पर जब भी मैंने तुम्हें पलट कर देखा तो तुम्हारा परिवार समर्पण की राह में पूजा की थाल सा पवित्र हृदय लेकर हमेशा मेरी पूजा करते रहा। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे गुरु भक्त, सचमुच तुम सच्चे भक्त हो। तुमने जिन शरणम तीर्थ पर भव्य मानस स्तंभ स्थापित किया है, शासन देव धरणेन्द्र पद्मावती की मनोहारी प्रतिमाएं स्थापित की, स्वर्ण वेदिका पर स्थापित कर युगों युगों तक अपनी जिन भक्ति को अमर किया है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में महेंद्र इंद्र का मुख्य पात्र की भूमिका कर सुशोभित हुए, तुम्हारे समर्पण के अर्घ तुम्हें अक्षय निधि प्रदान करेंगे। नीलकमल सुनो, जितने सुंदर तुम हो उससे ज्यादा सुंदर तुम्हारा समर्पण। तुम्हारी सहभारिया रेणु, पुत्री ईशिता, पुत्र अंशुल, पुत्र वधु हरसाली सहित समस्त परिवार मेरी रत्नात्रय की साधना में सुख साता प्रदायक हैं। तुम्हारे जैसे आत्मीय शिष्यों को पाकर मैं जिन शर्म की निश्चिंत प्रभावना कर पाता हूँ, तुम्हारा सहयोग मुझे अधिक परिश्रम से मुक्त करता है। सदैव तुम्हारा परिवार कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान की असीम कृपा का पात्र बनकर पुण्य अर्जित करता रहे, जीवन सफल बनाता रहे, मैं अपने अनेकों आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मैं चाहूँगा कि नीलकमल के सम्मान के लिए हमारी बहन जाह्नवी धारीवाल यहाँ पर आए और छोटी माँ के साथ संगपति परिवार, प्रतिभा मामी, प्रदीप मामा, राहुल जिम्मी, विनोद जी, दोनों विनोद जी आए, अजित विनायका आए और इनका सम्मान, क्योंकि अजित ने बहुत मेहनत की। निर्मल जी आगे आए, अध्यक्ष, बहुत मेहनत की है अजित ने इनको इस तरह के कार्यों को प्रेरित करने के लिए, आइए स्वागत करें। ये हमारे मुख्य दातारों की स्वागत सभा समाप्त होती है। अब आगे का कार्यक्रम, गुरुदेव अंदर संस्कार कर रहे हैं भगवान के दीक्षा विधि और यहाँ पर यह सम्मान सत्र समाप्त हुआ दोपहर को। हाँ मैं यहाँ से, मैं इसलिए तुमको नहीं बुला रहा हूँ कि गुरुदेव आ जाएं फिर अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि मैं अकेला कैसे करूँ। महाराज अभी बाहर आने वाले हैं, बाल क्रीड़ाएँ यहाँ पर संपन्न होंगी। अब विनोद जी फांदौत का मंच है, स्टेज है, क्या कार्यक्रम संचालित होना है, सभी के सम्मान होंगे। ऐसा मत सोचो कि हम दूसरों के लिए ताली बजाने को आए हैं, क्या हमारे लिए कब बजेंगी, सबका मनोबल बढ़ाया जाएगा, उत्साह दिया जाएगा, लेकिन समय की भी अपनी सीमा रहती है। अब भगवान की बाल क्रीड़ा यहाँ संपन्न होंगी, दोपहर को कमठ और पारसनाथ का संवाद होगा, देखेंगे आप अद्भुत दृश्य, इवेंट के माध्यम से यहाँ पर दिखाए जाएंगे, पूरा यहाँ पर संचालन अद्भुत तरीके से होगा। अब मैं चाहूँगा जिसको सम्मान मिल गया, जिसने कर दिया, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें बुला रहा है, उनके सिंहासन पर जिनने अतिक्रमण किया है शीघ्र छोड़ दें, उनकी जगह पर उन्हें ही बैठ।
विराजिए सभी लोग यथा स्थान। मैं कतार गांव समाज को आमंत्रित करता हूं, आ जाएं। कतार गांव से पधारे हमारे ट्रस्टी और मनीष जी पानवाला परिवार, डोटिया परिवार। यहां से पंचकल्याणक समाप्त होने के बाद मुझे सूरत की तरफ विहार करना है। विगत 10 सालों से मैं इस तीर्थ से बंधा रहा, आज तुम सब ने मुझे मुक्ति दे दी है। अब मैं निश्चिंत होकर समाज में विचरण करूंगा। और ये बात ध्यान रखिए, बहुत से तीर्थ अधूरे रहते हैं, लेकिन जिन शरणम ऐसा है जो 100% पूर्ण हो चुका है, तब इसकी प्रतिष्ठा यहां पर हो रही है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, सब बन गया, संभालो आप लोग, समारो आप लोग। मैं यहां से प्रस्थान करके अपनी साधना प्रभावना करूंगा और यहां पर सूरत के कतार गांव में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में समाज ने मुझे आमंत्रित किया है और गुरुदेव पधार रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आइए समाज। श्रीमान निर्मल जी गोदा, कल्पना जी गोदा या मंच के पीछे आ जाए। ये गुरुवर है, इन गुरुवर का यही है नग्न रूप। ये गुरुवर है, इन गुरुवर का यही है नग्न रूप। ये गुरुवर है। देखिए कतार गांव में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है अप्रैल के माह में, और गुरुदेव के समक्ष आशीर्वाद लें, आशीर्वाद ही नहीं लें, ये बोलो कि आप भी गुरुदेव उस पंच कल्याणक में पधारे। सूरत के पंच कल्याणक में कब से है पंच कल्याणक? सकल दिगंबर जैन समाज सूरत का गुरुदेव के चरणों में 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पंच कल्याणक सूरत में होगा। इसका मतलब है महावीर जयंती सूरत में होगी और वहीं पर पंच कल्याणक होगा। उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम होंगे गुरुदेव आशीर्वाद मुझे देंगे, और मैं चाहता हूं कि समस्त ट्रस्ट मंडल गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाए। यदि गुरुदेव भी उस पंच कल्याणक में पधारते हैं तो 4 चांद लग जाएंगे वहाँ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। कतार गाँव समाज श्रीफल अर्पित करें आशीष जी के नेतृत्व में, और हमारे मनीष जी पानवाला सभी लोग आए, डोटिया जी आए, और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित। सूरत का सबसे बड़ा दिगंबर जैन समाज का आस्था का केंद्र ऐसा श्री विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन ट्रस्ट कतारगाम सूरत गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लेना चाहता है। जब जब भी कतारगाम में पंच कल्याणक हुए हैं, गणाधिपति पुष्पलन सागर जी के शिष्य प्रज्ञा सागर जी, प्रसन्न सागर जी के सानिध्य में अभी तक 2 पंच कल्याणक, ये तीसरा पंच कल्याणक गुरुदेव पुल्लक सागर जी के सानिध्य में वहां की धरा का होने वाला है, जहां एक नहीं दो नहीं भरत और बाहुबली भगवान के पंच कल्याणक, 4 जिनबिंब के पंच कल्याणक जो कि शिखर में विराजित होंगे, और साथ ही पूरे भारत के लिए एक ऐसी गौरव समान बात है जहां सारी परंपराओं के आचार्य की प्रतिमा, जहां शिव सागर जी आचार्य, कुनकुन सागर जी आचार्य, ज्ञान सागर जी आचार्य, शांति सागर जी आचार्य, आदि सागर जी, इस प्रकार से सारे परंपराचार्यों की प्रतिमा वहां पर गुरुदेव के सानिध्य में विराजित होगी। गुरुदेव का 21 तारीख का कार्यक्रम महावीर जयंती का सूरत कतारगाम अतिशय क्षेत्र पर, साथ ही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 24, 25 और 26, और साथ ही 28 तारीख 27 तारीख को मान स्तंभ में विराजित रत्नों की प्रतिमाओं का अभिषेक गुरुदेव के सानिध्य में होगा। ऐसे मंगलमय कार्य में आप सभी आमंत्रित हैं। यहाँ से विद्यानंद स्वामी और सूरत का सकल दिगंबर जैन समाज आपको इन सारे कार्यक्रमों में उपस्थित और हाजिर रहकर गुरु का आशीष और अनुकंपा पाने के लिए निवेदन करता है। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए यह पंच कल्याणक पहला होगा देश में जो भरत बाहुबली का प्रतिष्ठा है,
भरत बाहुबली सामान्य केवली हैं, उनके पंच कल्याणक नहीं होते हैं, इसलिए 3 दिन का ये आयोजन मैंने रखा है, 5 दिन का नहीं। उनके केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होंगे और प्रतीक रूप में तीर्थंकर की मूर्ति तो रहेगी रहेगी, इसलिए 3 दिवसीय पंच कल्याणक वहाँ पर होंगे, 5 दिवसीय नहीं होंगे। यह मैंने उनको निवेदन आग्रह किया था और समाज ने कहा कि भरत बाहुबली की प्रतिमाएं वहाँ पर स्थापित होना है, वह होगा। अब मैं चाहूंगा कि बालकीला के जो भी बच्चे हैं सब एक साइड में आ जाओ, यहाँ सारे बच्चे जिन्हें बालकीला करनी है भगवान के साथ, आइए शुरू कर रहे हैं इस बालकीला के इस आयोजन को। लो लो जी, मैं उपस्थित हो गया हूँ भगवान के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, और आज बालकीड़ा में देवता लोग बाल रूप बनाएंगे और भगवान के साथ बाल कीड़ा करेंगे। लो शुरू कर रहा हूँ। गुरुदेव आचार्य गणाचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज को नमोस्तु, उच्च गुरुदेव राष्ट्र संत आचार्य भगवान पुलक सागर को नमोस्तु, उच्च आचार्य प्रणाम सागर महाराज को नमोस्तु। लीजिए शुरू करता हूँ बाल कीड़ा। सावधान महाराजा नाभिराय नाभिराय महाकवि सोदर सोदर सचिंद्र इंद्र हरिपति घने योगी नायक पधार रहे हैं। आओ हम सब तीर्थंकर प्रभु के साथ बाल कीड़ा खेलने चलेंगे। लेकिन बाल प्रभु तो अभी है ही नहीं है, चलो उन्हें लेने चलते हैं। सावधान तीर्थंकर बालक बाल कीड़ा के लिए बदल रहे हैं। सभी लोग करके बहुमान में खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने
आरती धनकर पार्श कुमार की, आरती धनकर पार्श कुमार की। हम हैं तेरे दास चरणों के पास, यूं रहेंगे जिंदगी भर। तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यही पाया, तेरे मेरों को बस तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा दर्श चाहिए। पार्षना तेरे दास चरणों के पास, हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने पाया तेरे नैनों को, प्रभु तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा दर्श चाहिए, प्रभु तीर्थंकर बालक के साथ खेलने चलते हैं। हाँ हाँ खेलने चलते हैं, लेकिन माँ जाग रही होगी। हाँ जाग रही होगी। आओ धीरे धीरे चलेंगे, आओ। कौन? मैं जाग रही है। अरे मैं जाग रही है। अरे तुम आगे चलो। नहीं तुम आगे चलो। तुम, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा आओ धीरे धीरे आना, आओ। कौन है? मैं जाग रही है। आओ माँ से पूछ लेते हैं, माँ के पास चलते हैं। आओ, हे माँ, हम सब तीर्थंकर बालक के साथ खेलना चाहते हैं। आ जाओ खेलो, लेकिन राजभवन में ही खेलोगे, बाहर नहीं ले जाओगे। ठीक है माँ, मैं अपने सारे मित्रों के साथ आ रहा हूँ, आओ। छुक छुक करती रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। छुक छुक करती रेल चली है जीवन की, छुक छुक करती रेल चली है जीवन की, छुक छुक करती रेल चली है जीवन की, छुक छुक करती रेल चली है जीवन की। जागना सोना रोना खाना पीना रोना जीवन के सुख दुख, छुक छुक करती रेल चली है जीवन की, जीवन छुक छुक करती रेल चली है जीवन की। रेल चली भाई रेल चली दो पहियों की रेल चली। अरे अजब निराली रेल चली, रेल चली भाई रेल चली। कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये दौड़ रही है गली गली गली। रेल चली
भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। पहला स्टेशन बचपन है जो लगता है प्यारा, तरह तरह के खेल खिलौने अजब तरह का नजारा। पहला स्टेशन बचपन है जो लगता है प्यारा, तरह तरह के खेल खिलौने अजब तरह का नजारा। देखे खेल खिलौने रे लगा मुसाफिर रोने रे, देखे खेल खिलौने रे लगा मुसाफिर रोने रे। इस रोने धोने में जीवन गाड़ी आगे खिसक चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। भाइयों जिस जिसको संसार से पार होना हो, जिस जिसको इस भव से पार जाना हो, वो गणाचार आचार पुष्प दंत सागर जी महाराज के एक्सप्रेस में चढ़ जाए तो निश्चित इस भव से उस पार चला जाएगा। यह गाड़ी अभी डीजल इंजन पर चल रही थी, जैसे ही पुष्प दंत सागर जी गुरुदेव का इंजन लगा, एक्सप्रेस बनकर भगने लगी, दौड़ने लगी। दूसरा स्टेशन जो आया जिसका नाम जवानी, दूसरा स्टेशन जो आया जिसका नाम जवानी, प्यास लगी नीचे को उतरा पीने मुसाफिर पानी, प्यास लगी नीचे को उतरा पीने मुसाफिर पानी। एक यात्री और मिला उसको भी अपने संग लिया, एक यात्री और मिला उसको भी अपने संग लिया, बातों ही बातों में इसने अपना जोड़ा बना लिया, ओ बातों ही बातों में इसने अपना जोड़ा जमा लिया। साथी में ऐसा खोया खेल खिलौने भूल गया, साथी में ऐसा खोया खेल खिलौने भूल गया। आचार्य श्री वाला माइक चालू कर दे, आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा, तीन लोक का नाथ बाल गोपाल ये खेल क्यों कर रहा है, खेल क्यों कर रहा है सोचना है, क्योंकि वो पूरे विश्व को सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, प्रेम जतलाना चाहता है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए और संसार में कैसे प्राणी रहते हैं, उनके साथ हमें कौन सा बर्ताव करना चाहिए। देखिए दूसरे खेल आ रहा सामने, अभी रेल चली थी और आपको विदित प्रतीत होना चाहिए, यह ज्ञात होना चाहिए कि एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से कनेक्टेड है। अगर हम संसार में जीना चाहते हैं तो रेल के डिब्बे जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बंधे होते हैं, हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम से बंधा होना चाहिए। आगे चलिए भाइयों, हमने बचपन में तो बहुत खेला होगा, सब जानते होंगे, जितने पुराने लोग हैं वो तो पहचानते ही हैं, एक कोड़ा बना लेते थे, राउंड लगा लेते थे, राउंड में सबको बिठा देते थे, फिर अपन खेलते थे कि कोड़ा बादाम खाई और पीछे देखो मार खाए। आइए उस बचपन के खेल में एक बार फिर वापस लौट रहे हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जिनके पास दो हाथ है वो हाथ ऊपर उठाए और जिन विचारों के पास नहीं है वो क्या खाक ऊपर उठाए, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और मीठी मीठी तालियों के साथ इस खेल को खेलेंगे और कहेंगे, कोड़ा है बादाम साई पीछे देखे मार खाए, 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 कोड़ा है कोड़ा है बादाम साई पीछे देखे मार खाए, कोड़ा है बादाम साई पीछे देखे मार खाए। दृश्य देखिए, जो दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं वही पिटते हैं,
जो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं वही संसार के नरक में गिरते हैं। आगे चलिए चलिए। बनारस की गलियों में हंसते खेलते, बनारस की गलियों में हंसते खेलते, देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते, देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते, भगतनों दरस दिखाया करो जी कभी, दूर से भी मेरी गली आया करो जी कभी। जो जिंदगी के साथ मजाक करते हैं, खेल करते हैं, वही लोग ठोकर खाते हैं और गिर पड़ते हैं। जिंदगी के साथ खेल मत करो, मजाक करो, जिंदगी मिली है तो समझने की कोशिश करो। एक एक चीजें देखिए, इनके अंदर रहस्य छुपा है। आगे चलिए। महलों में कैसे कभी कभी किनकारी, महलों में कैसे मारे किनकारी, कभी कभी छोटे बालक माँ बाप को नचा देते हैं। महलों में कैसे मारे किनकारी, महलों में कैसे मारे किनकारी, जाऊं मैं मुखड़े पे वारी वारी, ओ जाऊं मैं मुखड़े पे वारी वारी, इतना नाग तरसाया करो जी कभी। बचपन से लेकर जवानी तक, बस एक मिनट रुका करो, बचपन से लेकर जवानी तक हम सीख नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, हमने बच्चों पे वो संस्कार नहीं दिए। बच्चा भी आज हाथ में हंटर लेकर खड़ा है मारने के लिए, यह हमारी कमजोरी है। तीर्थंकर के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। आगे चलिए। आप अपने बच्चे को छोटा मत समझिए, आप अपने बच्चे को छोटा मत समझिए, उसके अंदर भी ज्ञान है, समझ रहा है कैसे उसने फंसाया दूसरे को, फंसाया ना। और बच्चे हमेशा माँ बाप को रोला देते हैं। आगे चलिए। देखा देखा, छोटे से बालक ने बड़े को नचा दिया। ऐसे ही बालक घर में नचाया करते हैं हम लोगों का, हमारी जिंदगी है ये। महावीर के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तीर्थंकर के बाल बचपन से हमें पता लग रहा है कि जो आत्मा आई है भले उसके पास समझ ना हो लेकिन चेतना उसके पास है। भैया मैं नहीं खेलू ना, क्योंकि ये लोग पीछे से बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, हम नहीं खेलेंगे, दूसरा खेल खेलेंगे। जो बेईमान होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं, जो बेईमान होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, अपने को बचाने के लिए दूसरे को फंसाते हैं। चलिए आइए दूसरा खेल खेलेंगे, कबड्डी। इधर आ जाओ, आओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी जानते हैं सब? चलो आओ आराम से, तुम इधर आओ। मैं कबड्डी खेलूंगा। मैं भी कबड्डी खेलूंगा। इस पारी के कप्तान हम। ये देखो मेरी बॉडी, ये देखो मेरी बॉडी, कह रहा ये देखो मेरी बॉडी। इस पारी के कप्तान मैं। हाथ मिलाओ दोनों। मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये देखो मेरी बॉडी, ये देखो मेरी बॉडी। जाओ आओ, सबसे पहले कौन आएगा?
आओ इधर, जानते हो कबड्डी? आओ, क्या नाम है तुम्हारा? विवान। विवान, तुम जाओगे सबसे पहले, जाओ। कबड्डी 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 आप देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को फंसाते हैं, प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं। और प्रतिस्पर्धा का अर्थ है हमारा अहंकार बोल रहा है हम शक्तिशाली हैं, हम तुम्हें पटक देंगे, हम तुम्हें मिटा देंगे, हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। आगे चलिए। हुल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे ताल ताल, हुल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे ताल ताल, हुल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे ताल ताल। बस बस, जो बड़े मूछ वाले होते हैं और बहुत ज्यादा अपनी मूछ पर ताव रखते हैं वही फंसते हैं। अभी मैं जाता हूँ। और एक दूसरे को गिराने की कोशिश में लगे हैं। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ जकड़ो जकड़ो जकड़ो। अच्छा श्री बोले तब नहीं। एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, एक दूसरे के पांव खींचते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। काश हमें जिंदगी के संबंध में कोई ज्ञान होता। आज तीर्थंकर अपने बाल पन्ने के अंदर रहकर के दिखा रहे हैं, ताकत का गुमान मत करो, अहंकार मत रखो, जो साधारण सा भी जीव तुम्हारे सामने है उसे प्यार देने की कोशिश करो। आगे करिए। मैं जाता हूँ, सबको आउट करके आता हूँ, ये देखो मेरी बॉडी। जाओ। तालियां बजाइए एक बार। अरे भीतर तो जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी, अरे अंदर तो जाओ अंदर। कबड्डी 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 कबड्डी। आपको विदित होना चाहिए, फुटबॉल के खेल होते हैं, क्रिकेट के खेल होते हैं, उन खेलों में एक बड़ी विशेषता होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है। क्रिकेट का जब खेल शुरू होता है उस समय, या फुटबॉल के खेल शुरू होते हैं उस समय, या हॉकी के खेल शुरू होते हैं उस समय, आप ध्यान दीजिए, फुटबॉल के खेल में एक बॉल को जब गोली हाथ में झेल लेता है, उसे सीने से लगाता है, तो वह उसे फिर एक लात मारता है, 22 लातें खाती है वह फुटबॉल खेल में। ये जिंदगी का खेल है, एक भूल हमसे होती है तो दुनिया हमें बदनाम करती है। बोलिए। आइए इसके बाद, विक्की का लड़का कहाँ है, कहाँ है वो बच्चा, उसके हाथ में बैट और बॉल दे दीजिए, फिर देखिए बचपन से वो है, कहाँ है विक्की तुम्हारा बेटा। आइए हम सब खेलते हैं चेयर रेस। चेयर रेस तो समझते हैं ना, सबको आती है ना, कुर्सी से टच नहीं होना, उधर से म्यूजिक बजेगा, आपको चेयर घेरना है, जो बैठ जाए वो जीतेगा, जो नहीं बैठ पाएगा उसको सामने बैठ जाना है अपने आप, ठीक है ना। म्यूजिक स्टार्ट। बहुत दिक्कत है, सब कुर्सी के दीवाने हैं, सब ऊपर उठना चाहते हैं, सब नाम कमाना चाहते हैं, दूसरे को गिराना चाहते हैं, उसकी कुर्सी को अपनी बनाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जिंदगी के लिए एक शिक्षा है। म्यूजिक स्टार्ट।
जो बेईमान होते हैं वो हटा दिए जाते हैं और जो ईमानदार होते हैं वो बैठ जाते हैं। ये देखिए सब हटा दिए गए, पता नहीं हम किसकी नज़रों से कब गिर जाएं, हमें पता नहीं लगता है। चलिए देखो, 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 मैं ही जीतूंगा, ये देखो मेरी बॉडी, जा। तीर्थंकर बचपन से ही ज्ञान के साथ जन्म लिया था उन्होंने, और आज आप देखेंगे कि तीर्थंकर के बचपन में क्या था, बुराई नहीं थी, झूठ नहीं था, मान नहीं था, तृष्णा नहीं थी, और वो कैसे सबके साथ जीते हैं, एक दृश्य और देखिए। म्यूजिक स्टार्ट। अब भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हारी बर्थडे कुछ भी हो अब तो तुम्हें हारना पड़ेगा। आइए म्यूजिक स्टार्ट। ज्यादा चेयर के पीछे मत पड़ो। बेईमानी कुर्सी लेके भागा, ये है संसार का परिणाम। ऐसे ही लोग एक दूसरे की जायदाद पे अपनी नियत रखते हैं, चेहरों पे नियत रखते हैं, सौंदर्य पे नियत रखते हैं, दौलत पे नियत रखते हैं। अगर तीर्थंकर जब खेलने के लिए आते हैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि जहाँ ईमान है, सद्गुण है, प्रेम है, बस उसी की जीत है, बाकी सबकी हार है। देखिए 15 मिनट का मुझे समय मिला था, पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब इनको जो इनकी इनाम है, इनकी गिफ्ट है, माता पिता के द्वारा, सौधर्मेंद्र के द्वारा इन्हें प्राप्त होगी। सारे बच्चे महाराज नाभी महाराज अश्वसेन के पास और सौधर्मेंद्र के पास जितनी भी गिफ्ट रखी है यहाँ आगे ला के रख दें, ये इन्हें गिफ्ट सौंपे। धन्यवाद। बाल क्रीड़ाएं समाप्त हो चुकी हैं, खेल तो इतने हैं कि जिंदगी भर खेलों कभी खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन उस खेल से पहले हमारा भी कुछ खेल है, उससे बड़ा तुम्हारा महाखेल है, उसका भी ध्यान रखना है। आज दोपहर के बड़े वैराग्यवर्धक दृश्य होंगे। कल मैंने बताया था कि पार्श्वनाथ भगवान के समय 300 राजाओं ने दीक्षा ली, आज इस पंडाल में 1200 राजा दीक्षा लेंगे, मुनि महाराज बनकर खड़े होंगे। हमारे ब्रह्मचारी देवीलाल जी की भी दीक्षा होगी, अभी गुरुदेव के प्रवचन के बाद देवीलाल जी का उपटन, स्नान आदि के कार्यक्रम उनके परिवार के लोग संपन्न कराएंगे, जिन शरणम के हाल में सभी लोग वहां उपस्थित होंगे। फिर उन्हें सजधज कर दूल्हे का रूप देकर, अभी इन्होंने संसार की शादियां की हैं, अब ये मुक्ति वधु से शादी करने की साधना में लगेंगे, मिलेगी नहीं इतने जल्दी, हमें नहीं मिल रही, इन्हें कहाँ से मिल जाएगी, लेकिन दिल तो दे सकते हैं ना, मिले या ना मिले उससे क्या होता है, शादी हो या ना हो प्यार तो हो सकता है, तो भगवान से इनको प्यार हो रहा है इस सज धज करके। और आज का इनके माता पिता बनने का सौभाग्य संघपति प्रदीप मामा और प्रतिभा मामी को दिया जाता है कि वह उनके साथ बग्गी पर बैठकर आएंगे, उनका परिवार उनका उपटन श्रृंगार करेगा, और आज उनका उपवास है, बहुत से महाराजों का उपवास है, आज केसलुंच कर लिए हैं, हम खाएंगे, हमारे गुरुजी खाएंगे, ये सब देखेंगे। और जो चौक पूरण आदि का कार्यक्रम होगा वह सब यहाँ से बताया जाएगा, तो प्रवचन कब करेगा आरती, आरती कल की थी ना, कल नहीं की थी क्या, कल की शाम को होगी, अभी से क्या बोली बोली। चलिए तो यहाँ पर ब्रह्मचारी जी की सब क्रियाएं होंगी, दोपहर को, दोपहर कितने
डेढ़ से दो बजे के बीच पूरा संघ यहाँ पर आ जाएगा भगवान की दीक्षा संपन्न कराने के लिए। आहार के उपरांत आज पूरा दिन बिजी रहेगा सभी का, तो आप सब उसमें उपस्थित होंगे। अंदर विधि चलेंगी, बाहर सब क्रियाएं चलेंगी, इसका आप ध्यान रखें। और फिर जलूस के रूप में अलग से बग्घी में सवार होकर ब्रह्मचारी आएंगे, उनकी भी यहाँ दीक्षा विधि संपन्न होगी, आप उसमें विशेष सहभागिता दिखाएं। अब समय हो रहा है गुरुदेव के चरण प्रक्षालन का, तो उमेश दोपहर में है? एक मिनट, एक प्रश्न कहीं पर। हेलो, मेरा एक सवाल है। आज मैं आपके सामने एक चीज लाया हूँ, ये मेरे पास, ये आप लोगों के पास पेन नहीं होगा, और ये पेन मैं उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा, और नहीं देगा तो मैं महाराज जी को दे दूंगा पेन। देखिए, लेखनी वो लेखनी है कागज पर नहीं, गुरु के हाथ से लेखनी मिल जाए तो ये समझना गुरु ने तुम्हारे भाग्य में मोक्ष लिख दिया है। कौन सौभाग्यशाली होगा जो अपने तकदीर में मोक्ष लिखवाएगा, गुरुदेव की कलम प्राप्त करेगा। प्रश्न दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि उत्तर मिलेगा। संसार, ध्यान से सुनिए, संसार किससे प्रस्थ है, पस्त है, किस चीज से? एक, धर्म क्या करता है? दो, संसार किससे पस्त है, धर्म क्या करता है, और प्रेम की क्या विशेषता है? इन प्रश्नों का उत्तर जो व्यक्ति देगा उसको ये पेन, आपने नहीं देखा होगा लेकिन मैं, नहीं तो मेरे अपने पुत्र से भी ज़्यादा है मेरे लिए, उनके लिए है ये पेन। देख लीजिए आप, आपकी नीयत खराब हो जाएगी पक्का है। माइक दीजिए, वहाँ माइक वाले, माइक कॉर्डलेस माइक। नहीं महाराज जी, शाम को उत्तर दे दें। अच्छा, शाम को अभी, अभी हम लोग जा रहे हैं, हमने समय दिया है और पेन हाथ में मैंने रख लिया है। प्रश्न पहला है, संसार किससे पस्त है, त्रस्त है? दूसरा, धर्म क्या है? तीसरा, धर्म क्या नहीं करता? धर्म क्या नहीं करता? तीसरा प्रश्न, प्रेम बोलो, की क्या विशेषता है? प्रेम की क्या विशेषता है? तीन प्रश्न है, किससे त्रस्त है, धर्म क्या नहीं करता, प्रेम की क्या विशेषता। आज पूरे दिन चर्चा होना चाहिए, शाम को इसका उत्तर गुरुदेव को आपको देना है और अपनी तकदीर में मोक्ष लिखवाना है। ये देखो, और आज का प्रवचन भी विशेष रूप से आपके लिए होगा मेरा, क्योंकि अब दो दिन तो पंडित जी के थे, अभी बाकी के दिन हमारे हैं। ढाई दिन उन्होंने ले लिए हैं, अब बाकी के दिन हम लोगों के, कि हम आपके हृदय के अंदर एक संत कैसे प्रवेश करता है। अगर यहाँ बैठ कर के आपके सामने वह कोई भी उपदेश देता है तो उस उपदेश के अंदर क्या छुपा है आपको सोचना है। अगर हम लोग यहाँ तक आते हैं तो सिर्फ एक ही उद्देश्य से आते हैं कि आप जिसलिए जन्मे हैं उसको पहचान लीजिए और उस रहस्य को जान लीजिए। वो रहस्य महाराज श्री ने बड़े प्रेम के साथ आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं, और मैं धीरे से आके कुछ समय लेके बात रखता हूँ ताकि कोई ना कोई बात तुम्हारे हृदय में घर कर जाए और तुम्हारा परमात्मा सदा के लिए जाग जाए। तो दो तत्व मेरे पास हैं, वो तत्व कौन से अभी नहीं बताऊँगा, दोबारा आऊँगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, सबको भूख लगी, हम लोगों को भी, तुम्हें भी लगी होगी मुझे मालूम है।
चलते हैं। ओम जय 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 पाप कहो छय छय छय। ओम जय 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 पुण्य का उदय उदय उदय। ओम जय 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 कसाय कौ छय छय छय। ओम जय 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 करुणा का उदय उदय उदय। ओम जय 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 मिथ्या कौ छय छय छय। ओम जय 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 सम्यक्त का उदय उदय उदय। ओम जय 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 मोह कौ छय छय छय। ओम जय 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 मोक्ष का उदय उदय उदय। मोक्ष का उदय उदय उदय। मोक्ष का उदय उदय उदय। देखिए दोपहर को 32 मुकुटबद्ध राजा कमेटी ने निर्णय लिया है 11,000 रुपए की राशि समर्पित करके राजा बनने का सौभाग्य अर्पित कीजिए। युवराज पद अभिषेक होगा भगवान का, उनके लिए भेंट लेकर के आना है। जिसको भी नाम लेना है भाग लेना है वह अजीत जी विनायका और सुरेश कोठारी से संपर्क कर सकते हैं और महारानियां भी बन सकती हैं तो आप उसमें उपस्थित हों। दूसरी बात, भगवान के आज वस्त्र त्याग होंगे, बहुत सुंदर वस्त्र बनकर आए हैं। वह सारे वस्त्र कौन सौभाग्यशाली लेगा अपने घर ले जाएगा। वैसे तो समस्त चीजें धार्मिक दृष्टि से यक्ष यक्षिणी की होती हैं, लेकिन हमारे पास इतने यक्ष यक्षिणी नहीं है, तुम्हारे जैसे बहुत ग्रस्त हैं। मैं एक पूरा वस्त्र भगवान के, उनके आभूषण, सबसे पहले मैं गुरुदेव को भेंट करूंगा, वह पुष्पगिरी तीर्थ की ओर जाएंगे भगवान के वस्त्र, आप सौभाग्यशाली उन्हें प्राप्त करेंगे। उसके बाद जिसको भी लेना है, समझ में आ रहा? हाँ, बड़े वस्त्र जो हैं त्रिमूर्ति भगवान के, आशीष जी सूरत वाले बाबूजी की मूर्तियां हैं, उन्होंने 3,00,000 रुपए की बोली समर्पित करके वस्त्र प्राप्त किए हैं। नवग्रह मंदिर के 1,00,000 रुपए के वस्त्र समर्पित हो चुके हैं, वह अपने घर ले जाएंगे। बाकी सारे लोग जो बैठे हुए हैं उन्हें भी वस्त्राभूषण चाहिए तो ज्यादा नहीं करके 2,100 रुपए की राशि में आप वह वस्त्र अपने घर ले जा सकते हैं। भगवान के वस्त्र दीक्षा के समय वस्त्र क्योंकि सबको चाहिए है, सबके घर में पहुंचे, और 1,008 वस्त्रों का हम भी क्या करेंगे, तुम ही अपने घर ले जाओ, जीवन को धन्य करो, तो आप उसमें उपस्थित। एक मिनट, मैं जानबूझ के रोक रहा हूं, आप सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रख लें, हम संतों ने, आपने, पंडित पुजारियों ने अहर्निश निरंतर वहां बैठकर मंत्र जाप किए और वो सारे मंत्रित हैं। अगर तुम्हारे घर में अगर ये वस्त्र पहुंचते हैं और अगर तुम्हें कभी ऐसा लगता हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी देर के लिए खाली अपने सीने पर रख लेना, फिर देख लेना। अगर लगता हो कि घर में कोई बाधा, हम बीमार हो रहे,
जरा अपने सिराने रख के देख लेना, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं जो भी कहता हूँ प्रैक्टिकल के साथ, साधारण मत समझना। अगर आज तुम्हारी किस्मत में ये चीजें हैं, तुम बड़े बड़े मकान खरीद लेते हो फिर रोते हो, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो तीर्थंकर के मंत्र से मंत्रित होकर के मेरी जिंदगी में पहली बार ये हो रहा है कि आपको देने की चर्चा कर रहे हैं हम। सोच लेना और समझ लेना। घर में टीवी लाके लटकाते हो, रखते हो, अपना चरित्र खराब करते हो। यहां से वस्त्र लेके जाओगे तो जिंदगी को बना लोगे और सम्यक की भूमिका बना लोगे, तब एहसास होगा कि पुष्पदन सागर ने ठीक कहा था कि वस्त्र नहीं है, ये तुम्हारे जीने के शस्त्र हैं और इनमें मंत्र हैं। देखिए सारे वस्त्र सौधर्मेंद्र हकीकत में जब पंच कल्याणक होता है, मानस्थम में विराजमान करके पूरी उम्र उनकी पूजा करता है, ऐसे भगवान के वस्त्र आप प्राप्त करें। गुरुदेव ने आपको आदेशित किया है, आप समझ गए होंगे, उन वस्त्रों को प्राप्त करिए। फेयर जलते यार का चाने प्रोग्राम है मंगला चल। कल्पतरु जिन शरणं पार्श्वनाथाय नमः। कल्पतरु जिन शरणं पार्श्वनाथाय नमः। सजाओ रे पंच कल्याणक महोत्सव बेलायो रे। आए हैं आनंद के क्षण मंगल गाओ रे। आज दोपहर को 1:30 बजे से सभा शुरू हो जाएगी, भोजन करके सभी लोग यहीं पर पधारें। अभी और है क्या? अरे 1:30 यहीं बजा दोगे क्या? अभी पूरा
पूरा नहीं हुआ अभी, पूरा नहीं हुआ। लोग गए, दो मिनट जो जहां खड़ा है 2 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा बैठ जाओ, अभी संतों ने आहार नहीं लिया है, बैठ जाइए 2 मिनट, बैठ जाओ यार। जल्दी करो ना भाई, क्या दिखा रहे हैं? तभी तो राज्यभिषेक होगा, राज्यभिषेक में यहाँ से आएंगे तो मतलब दिन को ये जो है तभी तो मन तपस्या करेगा, वो आएंगे इसमें जी नहीं बताएंगे, वो भी नहीं बताएंगे कुमार अवस्था वाला है, वो दर्शन भी ना देखिए एक मार्मिक दृश्य है, पंचकल्याणक है, पूरा चित्त यहीं समर्पित करें। भगवान 8 वर्ष के हो चुके हैं, उनकी उम्र भये जब अष्टम वर्ष कुमार, कुमार काल शुरू हो गया, 8 वर्ष की उम्र है। वन क्रीड़ा करने के लिए भगवान हाथी पर सवार होकर गंगा नदी के किनारे बनारस के निकट पहुंच रहे हैं तट पर, और एक वन में पहुंचते हैं, वहां एक तपस्वी तप कर रहा है, वह दृश्य यहां पर दिखाया जाएगा, जहां से पद्मावती धरणेंद्र की शुरुआत होती है। पार्श्वनाथ का जीवन हो और पद्मावती धरणेंद्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनके जीवन से इन शासन देवों को निकाल दिया जाएगा, उनका इतिहास अधूरा रह जाएगा। ऐसे वह जिन शासन देवों का कहां से बीजारोपण होता है, पार्श्वनाथ का कहां से हुआ और शासन देवी का कहां से हुआ। नमोकार मंत्र की महामहिमा, कैसे खोटे तप करने वालों को खोटी गति प्राप्त होती है, सम्यक तप करने वाले निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तपस्या दोनों है, कहां से प्रतिशोध की चिंगारी भड़कती है। एक बात याद रख, एक बात याद रखना, सबसे दुश्मनी करना पर अपने परिवार से दुश्मनी कभी मत करना। जिन्होंने भाइयों ने दुश्मनी की वो कमट पार्श्वनाथ बने, भाई भाई की दुश्मनी महाभारत खड़ी करती है, भाई भाई की दुश्मनी कैसे परिवारों को बिखेरती है यह संदेश है। अनजान व्यक्ति से दुश्मनी करोगे तो एक भाव में समाप्त हो जाएगी,
खून के दुश्मन बनोगे तो 10 भव तक सहन करना पड़ता है। इतिहास गवाह है, पारिवारिक लड़ाइयां ही संसार में भटकाती हैं। पड़ोसी की दुश्मनी अनंतानुबंधी नहीं बनती, परिवार की दुश्मनी अनंतानुबंधी बनती है। आज अदालतों में जितने केस हैं, पड़ोसी की लड़ाई के कम भाइयों की लड़ाई के केस ज्यादा हैं। भ्रात द्रोह, भाई से द्रोह किया विभीषण ने तो लंका तबाह हो जाया करती है। देखो मैं, हाँ बोलो ना, हम टाइम पास कर रहे हैं, शुरू करो। जय जिनेंद्र धर्म बंधुओं, कल हमने सौधर्म इंद्र को देखा कि किस तरह तीर्थंकर बालक के दर्शन पाकर एवं तांडव नृत्य कर आनंद नाटक द्वारा अपनी खुशी की अभिव्यक्ति की। आज हम लौट आए हैं उसी आनंद के साथ तीर्थंकर बालक की नटखट क्रीड़ाओं को देखने के लिए। तीर्थंकर के दर्शन तो हम सभी करते हैं, लेकिन उनकी बाल अवस्था की मनोहर क्रीड़ाएं देखने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। देखते ही देखते तीर्थंकर बालक युवा हो गए और उम्र के साथ साथ धर्म में भी रुचि बढ़ती गई। आइए अब हम आपको ले चलते हैं बालक पार्श्व की यौवन अवस्था की ओर। पार्श्वजीन, कहाँ छुपे हो? पूरा वन तलाश किया लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आए। पार्श्वजीन, 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 अंधेरा बढ़ रहा है, गृह की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अरे पार्श्व, अंधेरे में गुम हो जाओगे, हम प्रस्थान करते हैं। उजाले का अस्तित्व अंधेरे के बिना अधूरा है मित्र, जब तक अंधेरा नहीं होगा उजाले की पहचान किस तरह से कर पाओगे? और ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। फिर भी तुम्हारा मित्र हूं। सोलह वर्ष के पार्थ प्रभु यौवन अवस्था में आ गए। वह अत्यंत मनोहर दिखाई देने लगे। वह मल तथा पसीना आदि से रहित थे, जो नौ हाथ ऊंचे अनंत गुणों से सहित थे। दिव्य माला और मुकुट आदि से विभूषित तथा नील केशों से युक्त, अनुपम सुंदर तथा शांति और कांति आदि से विभूषित थे। उनका शरीर आभूषणों की कांति से पूर्ण चंद्र मंडल के समान सुशोभित हो रहा था। प्रभु के कर्ण मणिमय कुंडलों से ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे एक और चंद्र और एक और सूर्य के द्वारा सेवित हो। मणियों के हार से सुशोभित होता वक्षस्थल आदि से विभूषित भुजा कल्प वृक्ष के समान दिखाई पड़ती थी। उनका शरीर वज्र के समान हड्डियों वाला वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों से रहित था। भगवान का शरीर अत्यंत सुंदर व दिव्य, प्रातिहार्य तथा अन्य मंगल द्रव्य को लेकर
108 लक्षण से सहित था। तभी वह पहले का सिंह कमट का जीव पाप के द्वारा नरक में चिरकाल तक महिपालपुर में राजा नृपाल का महिपाल नामक पुत्र हुआ, जो पार्श्व जिनेंद्र की माता वामा देवी का पिता था, जिसने अपनी पटरानी के वियोग से तापसियों के द्वारा किए जाने वाला पंचांगनी नामक तप ग्रहण कर लिया। पिता तुल्य हो, महान गुरु हो, दीक्षित हो तथा विद्वजनों का मान्य एवं तापस के व्रत का परागामी हो। इस प्रकार के सभी गुणों से सुसज्जित मैं तुझसे भी श्रेष्ठ हूं और तुमने मेरा निरादर किया। अपने अहंकार में आकर तूने मेरा वंदन तक नहीं किया। ये क्या, अग्नि कुंड की अग्नि शांत हो रही है। मुझे तुरंत इस कुंड को प्रज्वलित रखने के लिए और लकड़ी काटनी होगी। मत काटो इन्हें, उसके भीतर सांपों का एक युगल विद्यमान है। रुको, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, मत काटो इन्हें, उसके भीतर सांपों का एक युगल विद्यमान है। हे मूढ़मति, यह जो तूने कार्य किया है उससे सर्पों के युगल झुलस रहे हैं। इस लकड़ी को अविलंब अग्निकुंड से बाहर निकालकर उसकी अग्नि को शांत करो। हे दुस्साहसी कुमार, कहां है सर्पयुगल? मैं गुरु हूं, मैं तपस्वी हूं। इस प्रकार का गर्व तू व्यर्थ ही धारण कर रहा है। यह करके तू अपनी पापों में वृद्धि कर रहा है और अपने आने वाले भवों को और भी कठिन और अपने कार्यों से स्वयं ही दुखदायी बना रहा है। मैं बड़ा हूं, मैं तपस्वी तथा तुम्हारी माँ वामा देवी का पिता हूं। ये सब ज्ञात होते हुए भी तू दुष्टों की तरह मेरा मान खंडन कर रहा है। पंचाग्नियों में रहकर मात्र वायु से जीवन निर्वाह करना तथा एक हाथ ऊपर उठाकर एक पैर से चीर काल तक खड़ा रहना कठिन है। उपवास के बाद मुरझाए हुए पत्तों से पारणा करना तथा अग्नि में रहकर अपने शरीर को कष्ट देने वाला तप करना अत्यंत ही कठिन है। इससे बड़ा तप कुछ भी नहीं, ये तू समझ। हे मूढ़ बुद्धि, जो तेरी दृष्टि से हितकारी
सारभूत तथा कुमार्क का निषेध करने वाले हैं। ये सब छल कपट, मिथ्या से भरपूर, तथ्य रहित तथा जनमानस को भटकाने के महापाप का संचार करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब मिथ्या पंचाग्नि तप जो तू कर रहा है, इससे पृथ्वी पर जीवों के समूह की हत्या होती है। यह पंचाग्नि तप करने से धर्म एवं सुख प्राप्त नहीं होता है। तुम इस दुराग्रह को छोड़कर जीव दया को धारण करने वाले जैन मत और सत्य धर्म को स्वीकृत करो तथा निर्दोष तप को ग्रहण करो। अरे कुमार, तू बार बार मेरा ही तिरस्कार कर रहा है और मुझे धर्म का मार्ग बता रहा है। ये कुवचन सुनने के बाद भी पार्श्वजीन ने धैर्य बनाए रखा तथा खंडित सर्प सर्पिणी के कान में अत्यधिक दया भाव से सर्वहितकारी पंच नमस्कार मंत्र दिया। प्रभु पार्श्वजीन ये सबके पश्चात अपनी नगरी में वापस लौट आते हैं। ये पावन मंत्र एवं वचन का ध्यान कर वो सर्प सर्पिणी अत्यंत सुखी भाव से मरते हैं। अगले भाव में सर्प भारी लक्ष्मी से सज्जित धरणेन्द्र देव तथा सर्पिणी पद्मावती नामक देवी होती है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज की सभा विसर्जित की जाती है और 1:30 बजे गुवाहाटी से जो भी मेहमान आचार्य श्रीवाला गुरुदेव के परम भक्त पधारे हैं, दोपहर की सभा में उनका सम्मान होगा, अवश्य उपस्थित हों। इंद्र प्रतिंद्र जो भी हैं सबका बहुमान सम्मान होगा और वैराग्यवर्धक क्रियाएं दोपहर को होंगी। ठीक 1:30 बजे 2 बजे आप उपस्थित हों यहाँ सभा। हेलो हेलो, ठीक 2 बजे उपस्थित होना है आप सभी को। पुनः इस सभा में 2 बजे आप सब पुनः उपस्थित होवे। युवराज अभिषेक भगवान को बैराग और एक साथ 12 मुनि महाराज यहाँ पर दीक्षित होंगे और एक दीक्षा भी यहाँ पर है,
जिसे हम और आप देखेंगे। धन्यवाद। लो माइक ले जाओ।